शक्तिमान एपिसोड 341 विराज चंद्रगुप्त नगर में। विराज विदिशा नगर आ चुका था। यहाँ आने पर उसे रुद्र परिवार पर हुए वसु परिवार के हमलों का पता चला। विपुल रुद्र ने विराज को याद दिलाया कि चंद्रगुप्त मुकाबले शुरू होने वाले थे। मुकाबले और अग्नि देवी मुकाबले साथ साथ शुरू होने वाले थे। विराज को इनाया की याद सताने लगी। इनाया चरम हिम शरीर हासिल कर चुकी थी। इस कारण से विराज को यकीन था कि अगर इनाया अग्नि देवी रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबलों में उतरती तो शीर्ष तीन स्थानों में से एक स्थान तो अर्जित कर ही लेती। हालांकि इनाया आकाशगंगा एकेडमी जा चुकी थी, इसीलिए उसका यहां आना संभव नहीं था। विराज ने विपुल की ओर देखकर पूछा, अयान, यश और अमायरा ये सब कहां है और कब जाने की योजना बना रहे हैं? विराज के सवाल पर विपुल ने जवाब दिया, सभी लोग दिव्य मंदिर के अंदर है और चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए साधना कर रहे हैं। सभी लोग तुम्हारी राह देख रहे थे। अब तुम आ गए हो तो हमें जल्द ही चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए निकल जाना चाहिए। विपुल का जवाब सुनकर विराज ने कहा, तो दिव्य मंदिर चलते हैं और उन सभी से मिलते हैं। ऐसा कहने के बाद विराज ने निदासन रुद्र की ओर देखकर कहा, हमें कोई भी कदम उठाने से पहले वसु परिवार की शक्तियों के बारे में पता लगाना होगा। आप भी वसु परिवार के बारे में जितना पता लगा सकते हैं लगवाने की कोशिश करें। मुझसे भी जितना हो सकेगा मैं उतनी कोशिश करूंगा। हमें जल्दबाजी में कुछ न करके आराम से अपनी योजना बनाकर कार्य करना होगा। चंद्रगुप्त मुकाबलों से लौटने के बाद हम इस पर अपनी कार्य योजना बनाएंगे। विराज के साथ हुई बातों से निदासन रुद्र को भी समझ आ रहा था कि बिना वसु परिवार को गहराई से जाने कोई भी कदम उठाना जानलेवा हो सकता था। इसीलिए उन्होंने अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, फिलहाल हालात यही कह रहे हैं कि हमें परिस्थितियों का नए सिरे से जायजा लेने की जरूरत है। ऐसा कहकर विराज अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया और महाराज और महारानी को प्रणाम करके विपुल के साथ हवा में तैरते दिव्य मंदिर की ओर उड़ गया। दिव्य मंदिर द्वीप के अंदर पहुंचते ही दिव्य मंदिर के बाहर सुबाहु बैठा हुआ था। वानर राज सुबाहु ने जब विराज को देखा तो खुशी से चहकते हुए उसने कहा, विराज तुम आ गए, कैसी रही गोली घाटी की यात्रा, कुछ बात बनी? विराज ने बिना कुछ छिपाए कहा, नहीं, गोली घाटी के प्रमुखों को कुछ समय चाहिए। यह सुनकर वानर राज सुबाहु ने कहा, कोई बात नहीं, कोई ना कोई मार्ग अवश्य निकल जाएगा। विराज की आवाज सुनकर अयान, यश, वैभव और अमायरा भी वहां आ गए। विराज को देखते ही अमायरा ने खुश होते हुए कहा, विराज तुम आ गए, इस बार तो तुम्हें काफी समय लग गया। वैसे सच कहूं तो वानर राज सुबाहु के साथ इस दिव्य मंदिर में साधना करके मजा आ गया। वैभव ने भी खुशी से झूमते हुए कहा, बड़े भैया कैसे हैं? दिव्य मंदिर के चारों ओर बनी कुछ रचनाकार प्रतिरूपों को सीखने में सफलता अर्जित की है। अमायरा और वैभव की बात सुनकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। आप सभी के शरीर से निकलने वाली आभाएं बता रही है कि दिव्य मंदिर के अंदर साधना करने पर आपको इसका अतिरिक्त लाभ मिला है। एक बार इस दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाए तो ये लाभ कई गुना तक बढ़ जाएगा। यश ने विराज से कहा, विराज चंद्रगुप्त मुकाबलों में 5 दिन ही बचे हैं, मुझे लगता है कि हमें कल सुबह निकल जाना चाहिए। वैसे दिव्य मंदिर के लिए गोली घाटी के प्रमुखों से कुछ बात हुई? विराज ने विपुल, यश, अमा वहां हुई सारी बातें बता दी। सभी लोगों को समझ आया कि विराज की मार्शल क्षमता कैसे 7 स्तरों को पार करके मार्शल सम्राट स्तर तक पहुंच गई थी। विराज को देखते ही सभी लोग इसी बात से हतप्रभ रह गए थे कि विराज ने सिर्फ 10 दिनों में 7 स्तरों को पार कर लिया था। लेकिन उन्हें समझ आ रहा था कि ऐसे ही गोली घाटी का नाम नहीं था।
आज विराज की बड़ी मार्शल क्षमता देखकर उन्हें गोली घाटी की शक्ति का एहसास मिल रहा था। साथ ही विराज की प्रतिभा को तो वो पहले ही दुर्लभ और सोच से परे की श्रेणी में फिर तय रहा। हम लोग कल सुबह होते ही चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए निकल पड़ेंगे। विराज के पास आज का पूरा दिन पड़ा था। इतना समय विदिशा नगर में वर्धन परिवार से जुड़े सभी मसलों को निपटाने के लिए पर्याप्त था। इसके साथ ही शाही टुकड़ी, चारकोल और सुबाहू के रहते विराज को वर्धन परिवार के हमले का कोई तनाव नहीं था। इन तीनों को हराने की शक्ति वसु परिवार में नहीं थी। सभी योजना के बारे में ही गंभीर चर्चाएं करते रहे। साथ ही रात भर के आराम के साथ विराज, अयान, यश, विपुल और अमायरा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की ओर चल पड़े। इस बार विराज गोल्डन पंख को अपने साथ लेकर नहीं आया था। गोल्डन पंख को विराज ने आराम दिया था। पिछले काफी समय में गोल्डन पंख ने कई युद्ध लड़े थे, जिससे उसे आराम की सख्त जरूरत थी, और ये बात विराज को अच्छे से समझ आ रही थी। विराज ने वैभव चंद्रवंशी को दिव्य मंदिर में ही रहकर दिव्य मंदिर के चारों ओर बने सबों को सीखने का कार्य दिया था। वैभव की मार्शल क्षमता कम थी, इसीलिए उसका चंद्रगुप्त मुकाबलों में जाने का कोई मतलब नहीं था। इसके साथ ही वैभव दिव्य मंदिर में रहकर चंद्रवंशी परिवार से आने वाले संसाधनों का इंतजार कर रहा था, ताकि दिव्य मंदिर में मिले पत्थर नुमा ड्रैगन अंडे को सिकाए देने का कार्य शुरू कर सके। दूसरी ओर शनाया कलिंजर अंपायर की राजधानी में अपने महल लौट चुकी थी। शना के महल लौटने पर अगली सुबह यश दक्ष शनाया से मिलने उसके कक्ष में पहुंचा। शनाया अपने कक्ष की बालकनी में बैठकर आकाश के पक्षियों को आकाश में उड़ते देख रही थी। शनाया को देखकर यश दक्ष ने पूछा, तो कैसी है हमारी बहन? गोली घाटी का सफर कैसा रहा? मुझे गुप्तचरों से खबर मिली थी कि तुम्हारा अपहरण हो गया था, और इसके चलते विराज ने किसी संस्तर के योद्धा को गोली नगर में मार गिराया। यश दक्ष की बात सुनकर शनाया हतप्रभ रह गई। वो समझ गए कि उसका भाई उस पर जासूसी से नजर रखवा रहा था। उसने गुस्से से भरकर कहा, मैं कोई बच्ची नहीं रही कि आपको मेरे ऊपर जासूसों से नजर रखवानी पड़े। शनाया को नाराज होता देखकर यश दक्ष ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, अरे पगली, नाराज मत हो, तेरा बड़ा भाई हूं, तेरी चिंता करना मेरा हक है। वैसे भी सिर्फ तेरी खोज खबर लेने के इरादे से गुप्तचरों के तंत्र को सक्रिय किया था, नाराज मत हो। खैर, कैसा रहा विराज के साथ सफर? ये सुनते ही शनाया के भाव तेजी से बदल गए और उसने कहा, मत पूछिए भैया, विराज के साथ बिताए 10 दिनों में कुछ ना कुछ घटनाएं होती ही रही। मेरे जीवन में तो 1 साल में भी इतनी घटनाएं नहीं घटती जितनी विराज के जीवन में 10 मिनटों में घट गई। लेकिन सच में विराज कमाल का योद्धा है। उसने संस्तर के योद्धा को सीधे युद्ध में मार डाला। यश दक्ष को यह खबर पहले ही मिल चुकी थी, इसीलिए उसे जितना चौंकना था वो इस खबर से चौंक चुका था। उसने शनाया से कहा, वही तो, इस लड़के में कुछ अलग ही बात है। जब मैं इसे पहली बार मिला था तभी मैंने इसमें कुछ अलग देख लिया था। इस लड़के में संत अधिपति योद्धा बनने की संभावना है। वैसे क्या तुम्हें विराज पसंद आया? ये सुनकर शनाया ने हल्की शर्म के साथ कहा, पसंद तो आया है भैया, लेकिन अभी मुझे विराज को समझने के लिए कुछ और समय की आवश्यकता है। इसके बाद ही मैं कुछ कह सकूंगी। ये सुनकर यश दक्ष ने हंसते हुए कहा, कोई नहीं, जितना समय लेना है उतना समय ले लो, बस इतना समय मत लेना कि विराज किसी और को अपना दिल दे बैठे, फिर तो तुम्हारा भाई भी कुछ नहीं कर पाएगा। इस पर शनाया ने यश दक्ष के हाथ पर अपना हाथ मारते हुए कहा, क्या भैया आप भी? हाँ, मुझे मालूम है। विराज और सभी लोग एक दिन का सफर तय करके रचनाकार की मदद से जैसलमेर प्राचीन भूमि पहुंच चुके थे। जैसलमेर
प्राचीन भूमि को देखकर विराज ने उत्सुकता से भरते हुए कहा, अच्छा तो ये है जैसलमेर प्राचीन भूमि। विराज उस भूमि में चट्टानों और दूर दूर तक पृथ्वी के अंदर छिपी जादुई ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था। पृथ्वी की शक्तिशाली अपार ऊर्जा वहां धरती के नीचे चारों ओर फैली हुई थी। इसके बावजूद जैसलमेर प्राचीन भूमि एक बंजर रेगिस्तान भूमि थी। ये देखकर विराज स्तब्ध रह गया था। विराज के चेहरे के भावों को देखकर विपुल विराज की उलझन को समझ गया था। उसने विराज से कहा, बिल्कुल ये एक प्राचीन भूमि है। मैं जब इस भूमि में पहली बार आया था तो तुम्हारी तरह आश्चर्यचकित रह गया था। यहाँ जमीन के नीचे चारों ओर अपार ऊर्जा राशि भरी पड़ी है, उसके बावजूद यहाँ चारों ओर जीवन का नामो निशान तक मौजूद नहीं। मानो इस भूमि पर किसी का श्राप हो। लेकिन ऐसा क्यों है ये तुम खुद ही समझ जाओगे जब तुम प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में दाखिल होगे। ये सुनते ही विराज ने तुरंत कहा, क्या किसी रचनाकार की वजह से ऐसा है? विराज की आत्मा की शक्ति बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली अवस्था तक पहुंच चुकी थी। उसने जब गहराई से उस भूमि का मुआयना किया तो उसे उस भूमि में कुछ अजीब सी हरकतें होती हुई महसूस हुई। उस भूमि के अंदर ऊर्जा का विशालकाय भंडार मौजूद था, लेकिन वो सभी ऊर्जा तेजी से एक ही जगह की ओर खींची चली जा रही थी। मानो कोई शक्ति ऊर्जा से उस विशालकाय भंडार को अपनी ओर खींच रही हो। विराज प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की ऐतिहासिक विशेषता को समझते हुए इस बात को समझ रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उस भूमि की सारी ऊर्जा तेजी से प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की ओर खींची चली जा रही थी। इसकी वजह से ये भूमि बंजर और उजाड़ बन चुकी थी। विराज की बात सुनकर विपुल और बाकी लोगों के चेहरों पर मुस्कान खिल उठी। उन्हें नहीं लगा था कि विराज इतनी जल्दी यहाँ मौजूद रहस्य की गुत्थी को सुलझा लेगा। अमायरा ने सहमति में अपना सिर हिलाते हुए कहा, विराज तुमने बिल्कुल सही पकड़ा। यहाँ पर ऐसा एक शक्तिशाली रचनाकार की वजह से ही हुआ है। सच में तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में आत्मा चुंबक रचनाकार मौजूद है। इसके साथ ही प्राचीन अग्नि देवी नगर में भी यही आत्मा चुंबक रचनाकार मौजूद है। दोनों नगरों की सीमाएं एक दूसरे से लगती है। ये दोनों नगर जैसलमेर प्राचीन भूमि में छिपे ऊर्जा के विशाल काय भंडार को अपनी ओर लगातार खींच रहे हैं, जिससे वहां की सारी ऊर्जा खींचकर इन दो नगरों तक चली जा रही है। अमायरा की बात सुनकर विराज ने कुछ नहीं कहा। जल्द ही वो सभी उस ओर बढ़ चले जहां पर धरती की सारी ऊर्जा खींची चली जा रही थी। जल्द ही वो सभी दो नगरों के सामने खड़े थे। वो दोनों नगर एक मोटी दीवार के सहारे एक दूसरे से अलग थे। उन दोनों नगरों के बाएं वाले हिस्से पर पुरुष योद्धा की विशाल काय मूर्ति लगी थी। वहीं दाईं तरफ एक महिला योद्धा की विशाल काय मूर्ति लगी थी। उन दोनों नगरों के ऊपर आसमान में एपिसोड 342 विराज अखाड़े में। विराज अयान विपुल यश और अमायरा के साथ प्राचीन जैसलमेर भूमि आ चुका था। इसी भूमि के अंदर प्राचीन चंद्रगुप्त नगर और प्राचीन अग्नि देवी नगर अगल बगल में मौजूद थे। दोनों नगरों के बीच में एक मोटी दीवार जा रही थी जो दोनों नगरों को अलग अलग कर रही थी। विराज और बाकी लोग उन दो नगरों के सामने खड़े थे। बाएं तरफ चंद्रगुप्त नगर था और दाएं तरफ अग्नि देवी नगर। यह देखकर अमायरा ने विराज और बाकी लोगों की ओर देखकर कहा, पिछली बार जब मैंने अग्नि देवी मुकाबलों में हिस्सा लिया था तो अच्छा परिणाम अर्जित किया था। मुझे प्राचीन अग्नि देवी नगर में जाना है। तुम लोग अपने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में जाओ। ऐसा कहते हुए अमायरा के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी।
उसके शरीर से अनंत फूलों की खुशबू निकलने लगी। वो तेजी से प्राचीन अग्नि देवी नगर की तरफ उड़ गई। दोनों नगरों में चंद्रगुप्त पॉल और अग्नि देवी पॉल थे। अमायरा के जाने के बाद विराज और बाकी तीनों तेजी से प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में दाखिल हो गए। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में पहले ही बहुत सारे योद्धा आ चुके थे। वो चारों लोग प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में बने कई सारे चंद्रगुप्त अखाड़ों में से एक अखाड़े के अंदर आकर पद्मासन लगाकर साधना की अवस्था में बैठ गए। वो चारों प्राचीन चंद्रगुप्त नगर 3 दिन पहले इसीलिए ही आए थे ताकि यहां रुककर तप करके अपनी क्षमता को बढ़ा सके। हर एक चंद्रगुप्त अखाड़े के बीच में एक पुल बना हुआ था। उसी समय अयान की नजर चंद्रगुप्त अखाड़े के अंदर बैठकर साधना करते हुए एक इंसान पर पड़ी, जिसे देखकर अयान ने चौंकते हुए कहा, अरे ये तो वीरान भूमि का गोरखा प्रतीचि कुलाल है। प्रतीचि कुलाल बहुत ही मजबूत कद काठी का इंसान था जो साधना की अवस्था में बैठा था। उसे देखकर अयान के अंदर उत्तेजना बढ़ने लगी। अयान की बात सुनकर विराज के भाव गंभीर हो उठे और उसने चौंकते हुए कहा, क्या ये वही गोरखा प्रतीचि कुलाल है जिसने 9th ग्रेड मार्शल पूर्व स्तर पर रहते हुए 3 मार्शल सम्राट स्तर के योद्धाओं को मार गिराया था? विराज गोरखा प्रतीचि कुलाल का नाम पहले भी सुन चुका था। वो अपने समय के युवाओं में सबसे महान योद्धाओं में स्थान रखता था। विराज को उस गोरखा प्रतीचि कुलाल से बहुत ही शक्तिशाली दबाव महसूस हो रहा था, मानो वो किसी शक्तिशाली दैत्यकार जानवर के सामने बैठा हो। अयान ने सहमति से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, वो मेरे बड़े भाई की पीढ़ी का युवा है। उस समय उस प्रतीचि कुलाल ने मेरे बड़े भाई को एक मुकाबले में पराजित कर दिया था। चंद्रगुप्त मुकाबले के बाद प्रतीचि कुलाल कहाँ गया किसी को इस बारे में कोई खबर नहीं थी। यहाँ तक कि मेरे घर के ज्येष्ठ लोगों को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। मुझे नहीं मालूम था कि मेरा वो भाई इस बार चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेगा। विराज ने अयान की बात सुनकर उसे देखते हुए कहा, सीनियर अयान, क्या आप चंद्रवंशी परिवार के पुरानी पीढ़ी के विहान चंद्रवंशी की बात कर रहे हो? विहान चंद्रवंशी परिवार का स्वर्ग का गर्व योद्धा था। उसके पास चंद्रवंशी परिवार की एक विशेष मार्शल तकनीक थी। उसके अलावा चंद्रवंशी परिवार के किसी भी सदस्य ने उस तकनीक का उपयोग कभी नहीं किया था। उस तकनीक का नाम था रहस्य हथियार तकनीक। इस तकनीक के साथ विहान चंद्रवंशी ने ब्रूसली शरीर तकनीक को मिला दिया था। इन दोनों तकनीकों को मिलाने का परिणाम ये निकला था कि उससे ज्यादा शक्तिशाली योद्धा भी उसका सामना करने से पीछे हटने लगे थे। विराज की बात सुनकर अयान ने कहा, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरा भाई विहान चंद्रवंशी। चंद्रवंशी परिवार में जिस समय ग्रह युद्ध चल रहा था, उस समय भी विहान चंद्रवंशी अपने परिवार में वापस नहीं लौटा था। अगर विहान चंद्रवंशी ने ग्रह युद्ध के समय में परिवार की कमान संभाली होती तो अपनी ब्रूसली शरीर तकनीक और रहस्य हथियार तकनीक की मदद से चंद्रवंशी परिवार के ग्रह युद्ध को ज्यादा आसानी से हल किया जा सकता था। उसी समय यश वंगम की नजर दूसरे चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठे एक इंसान पर पड़ी, जिसके शरीर से बहुत ही भारी दबाव निकल रहा था। उसे देखकर यश ने चौंकते हुए कहा, अरे उसे देखो, नित्य मितारी, आत्मा सेबर योद्धा। वो दक्षिण उदयांचल प्रदेश के शिकारी परिवार से आता है। वो अपने बचपन से ही शिकार करता आ रहा है। जिस समय वो एक युवा था, वो एक बार शिकार करते हुए गलती से एक गुफा के अंदर चला गया। उस गुफा में उसे मार्शल राजा की रखी गई एक विरासत मिल गई। उसने सालों तक कठोर तपस्या करके उस निर्दय सेबर तकनीक को गहराई से आत्मसात कर लिया। उसके बाद उसकी निर्दय आत्मा सेवर तकनीक के सामने कोई योद्धा नहीं टिक सका। इसी कारण से पूरे दक्षिण उदयांचल प्रदेश में नित्य मितारी बहुत ही प्रसिद्ध हो गया।
उसी समय विपुल की नजर एक दूसरे चंद्रगुप्त अखाड़े में साधना की अवस्था में बैठे एक योद्धा पर पड़ी। उस योद्धा को देखते ही विपुल और उसकी तलवार में तेज हलचल होने लगी। विपुल के पूरे शरीर से कातिलाना आभा निकलने लगी। उसने गुस्से से भरकर विराज और बाकी लोगों से कहा, वो देखो वहां सामने वसु परिवार का दुलोचना वसु बैठा है। वसु परिवार ने रुद्र परिवार पर हमला करके उसे खदेड़ दिया था, जिसकी वजह से विपुल रुद्र के मन में वसु परिवार के लिए गहरी नफरत भर गई थी। इसी वजह से दुलोचना वसु को बैठा देखकर उसका मन हो रहा था कि वो वहां जाकर दुलोचना वसु की हत्या कर दे। विपुल की बात सुनकर विराज बड़े ध्यान से दुलोचना वसु को देखने लगा। विराज को सिस्टम से एक असाइनमेंट मिला था, जिसके अनुसार उसे चंद्रगुप्त मुकाबलों में वसु परिवार के सभी युवाओं को पराजित करना था। वसु परिवार के हर 5 युवाओं को पराजित करने पर उसे इनाम मिलना था। इस कारण से विराज को उस दुलोचना वसु को किसी भी हाल में हराना था। विराज ने वहां मौजूद सभी योद्धाओं को सरसरी निगाहों से देखने के बाद कहा, एक काम करते हैं, पहले सही चंद्रगुप्त अखाड़े को चुन लेते हैं। चंद्रगुप्त रैंकिंग के लिए होने वाले मुकाबलों में किसी को भी अपनी इच्छा के योद्धा के साथ मुकाबला करने की आजादी नहीं थी। शुरू में सभी लोग प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की इच्छा के अनुरूप एक दूसरे से मुकाबला करते थे। आगे चलकर उन सभी में से 36 सबसे शक्तिशाली योद्धाओं का चुनाव होता था। इसके बाद इन 36 योद्धाओं के बीच शक्तिशाली मुकाबला होता था, जिसमें कई नियमों के तहत योद्धाओं के प्रदर्शन के आधार पर उनका रैंक निर्धारित कर दिया जाता था। अग्निदेवी मुकाबलों में भी इसी तरह के नियम चलते थे। विराज की बात सुनकर सभी लोगों ने सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर सभी ने अपना एक चंद्रगुप्त अखाड़ा चुन लिया। वो सभी अपनी क्षमता को लेकर आत्मविश्वास से लबालब थे। इस कारण से उन्होंने केंद्र के पास ही बने कई सारे चंद्रगुप्त अखाड़ों में से एक चंद्रगुप्त अखाड़ा चुन लिया। सभी को मालूम था कि केंद्र के नजदीक प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत अधिक बढ़ जाता था, जिसका मतलब यह था कि वो केंद्र के जितना नजदीक जाते उन्हें उतना ही कड़ा मुकाबला झेलने को मिलता। ऐसे में यदि वो पर्याप्त रूप से शक्तिशाली नहीं होते तो उस अखाड़े के बीच में बने चंद्रगुप्त पोल के ऊपर नहीं चढ़ पाते। चंद्रगुप्त मुकाबलों में बने रहने के लिए चंद्रगुप्त पोल पर सफलतापूर्वक चढ़ना जरूरी होता था। अगर कोई चंद्रगुप्त अखाड़ा चुनने के बाद उस अखाड़े में बने चंद्रगुप्त पोल के ऊपर नहीं चढ़ पाता तो वो इंसान जग हसाई का पात्र बन जाता था। अगर कोई इंसान लगातार 3 प्रयासों में भी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर नहीं चढ़ पाता तो उसे प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से बाहर निकाल दिया जाता था और इस तरह से वो चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने की योग्यता खो देता था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के मुताबिक ऐसा मूर्ख इंसान जो अपनी योग्यता के अनुरूप सही चंद्रगुप्त अखाड़े का चुनाव तक नहीं कर सकता, उसे इन मुकाबलों में हिस्सा लेने का अधिकार भी नहीं था। इसी कारण से कई योद्धा शक्तिशाली होने के बावजूद केंद्र से दूर के चंद्रगुप्त अखाड़े का चुनाव करते थे, क्योंकि वहां के चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ना आसान होता था। इससे वो ये सुनिश्चित कर पाते थे कि वो चंद्रगुप्त मुकाबले से बाहर नहीं होने वाले थे और उन्हें बाहर बैठकर चंद्रगुप्त मुकाबले को देखने की आवश्यकता नहीं थी। इसके साथ ही कई कमजोर योद्धा केंद्र से बाहर दूर के अखाड़े को चुनते थे ताकि बिना मुकाबले लड़े ही चंद्रगुप्त मुकाबलों से बाहर न हो जाए। अयान, विपुल और यश, उन तीनों को ही अपनी क्षमता पर पूरा भरोसा था, जिसकी वजह से वो तीनों निश्चित थे कि वो चंद्रगुप्त पोल पर आसानी से चढ़ जाएंगे। हालांकि उन तीनों ने केंद्र से काफी नजदीक के चंद्रगुप्त अखाड़े को चुना था, जिससे वो तीनों वहां आसपास के कई योद्धाओं की नजर में आ चुके थे। इसका कारण था कि जो चंद्रगुप्त अखाड़ा उन्होंने चुना था उसके अंदर बने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ना बहुत ही दुष्कर कार्य था। केंद्र से दूरी पर बने चंद्रगुप्त अखाड़े पर बैठे लोग विपुल, अयान और यश की तरफ जलन भरी नजरों से देखने लगे। एक योद्धा ने जलन से भरकर कहा, इन लोगों की सारी हवाबाजी जल्द ही निकल जाएगी, इन्हें लग रहा है कि ये आसानी से उस पोल पर चढ़ जाएंगे।
ये लोग 100 जन्म भी ले ले तो भी 9 मंडप चंद्रगुप्त पोल पर नहीं चढ़ पाएंगे। वो योद्धा एक सेकेंड ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा थे। पिछली बार जब उसने जोश में आकर केंद्र के पास के चंद्रगुप्त अखाड़े का चुनाव कर लिया था तो चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ नहीं सका था और इसी कारण से प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से बाहर कर दिया जाता था। इसके साथ ही पिछली बार भी कई शक्तिशाली जीनियस योद्धा भी जिन्होंने केंद्र के नजदीक बने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने की कोशिश की थी वो सभी ऐसा करने में पूरी तरह से विफल रहे थे। इस समय विपुल, अयान और यश के शरीर से फर्स्ट ग्रेड मार्शल सम्राट की आभा निकल रही थी जबकि उनसे ज्यादा शक्तिशाली योद्धाओं ने केंद्र से दूर के चंद्रगुप्त अखाड़े को चुना था। इसीलिए उन सभी के लिए अयान और बाकी लोग कौतूहल का विषय बन चुके थे। विराज ने जब अयान, विपुल और यश को केंद्र के समीप चंद्रगुप्त अखाड़े को चुनते हुए देखा तो उसे आश्चर्य नहीं हुआ। उसे उस तीनों की शक्ति के बारे में पता था। वो जानता था कि ये तीनों चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने की सामर्थ्य रखते थे। अयान, विपुल और यश अपने चुने गए चंद्रगुप्त अखाड़े में बने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ना शुरू कर चुके थे। विराज बारीक नजरों से उन तीनों को उस पोल पर चढ़ते हुए देखे जा रहा था। उसे पूरा यकीन था कि वो तीनों आसानी से उस पोल पर चढ़ जाएंगे। कुछ देर सोचने के बाद विराज की नजर केंद्र के नजदीक ही एक चंद्रगुप्त पोल पर जाकर टिक गई जिसकी ऊंचाई बादलों तक थी। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की स्थापना के साथ ही गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल की स्थापना भी हो गई थी। जिस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल को विराज देख रहा था उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर आज तक कोई भी योद्धा नहीं चढ़ा था। उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल की लंबाई को देखकर ही सभी योद्धा उससे पीछे हट जाते थे। उस चंद्रगुप्त पोल से बहुत ही शक्तिशाली दबाव निकलकर वहां चारों ओर फैल रहा था। धरती को बादलों से मिलाने वाले उस पोल से दूसरी दुनिया का रास्ता नजर आ रहा था। हर योद्धा उस चंद्रगुप्त पोल से दूर से ही किनारा कर लेता था। कुछ चरम गोल्डन उम्र के योद्धाओं को छोड़कर चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने युवा योद्धा ही आते थे। इस मुकाबले में आए ज्यादातर योद्धा मार्शल पूर्व स्तर के ही थे। हालांकि मार्शल सम्राट योद्धा भी बड़ी संख्या में आए थे। विराज चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर आ चुका था और चंद्रगुप्त नगर के केंद्र के एक चंद्रगुप्त अखाड़े में बने बादलों को छूने वाले चंद्रगुप्त पोल की तरफ देख रहा था। तो क्या विराज उस चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने के बारे में सोच रहा था जिस पर आज तक कोई भी योद्धा चढ़ने की हिम्मत नहीं दिखा सका था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट FM। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 343 विराज बनाम बाहरी दुनिया। विराज, अयान, यश, विपुल और अमायरा के साथ जैसलमेर प्राचीन भूमि आ चुका था। यहां से अमायरा प्राचीन अग्निदेवी नगर में चली गई जहां जाकर वो अग्निदेवी मुकाबलों में हिस्सा लेने वाली थी। विराज, अयान, यश, विपुल के साथ प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में आ गया था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के केंद्र में एक शक्तिशाली चंद्रगुप्त अखाड़ा था। उस अखाड़े के ठीक बीच में चंद्रगुप्त पोल खड़ा था जो ऊंचाई में बादलों के पार था। उस चंद्रगुप्त पोल से भयानक शक्तिशाली आभा निकल रही थी। पिछले 1000 सालों से इतिहास में किसी भी युवा योद्धा ने उस चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। विराज की नजर वहां मौजूद सभी चंद्रगुप्त पोल पर सरसरी निगाहों से पड़ने के बाद केंद्र में बने उस गगन को भेदने वाले चंद्रगुप्त पोल पर ही जाकर ठहर गए। चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बड़ी संख्या में कलिंजर अंपायर से बाहर के युवा भी आए थे। उन सभी ने जब विराज को उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल को ध्यान से देखते हुए देखा तो वो सभी उत्सुक होकर उद्वेलित हो उठे कि क्या सामने खड़ा लड़का उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने की योजना बना रहा था। उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल को देखकर विराज के दिल में हसरतें उबाले मारने लगी। उसने खुद से कहा,
एक बार कोशिश करके तो देखना बनता है। उस गगनचुंबी पोल से निकलने वाली आभा से उसका सारा शरीर प्रभावित हो रहा था, मानो वहां पर कोई तेज तूफान चल रहा हो। लेकिन विराज, अग्नि देवी, वैदेही, चारकोल, राजमल प्रथम जैसे संत अधिपति योद्धाओं का सामना कर चुका था और गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल से भी ज्यादा भारी दबाव को पहले भी झेल चुका था। इसीलिए उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के दबाव को महसूस कर उसे वो दबाव अपराजय बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। विराज तेजी से उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के पास चला गया। विराज को उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के पास खड़ा देखकर वहां मौजूद सभी योद्धाओं की नजरें विराज पर ही आकर टिक गई। वो विराज के इस कदम से अचरज में पड़ गए थे। अगर विराज उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल में चढ़ने में असफल हो जाता तो बिना लड़े ही चंद्रगुप्त मुकाबलों से बाहर हो जाता। विराज उस गगनचुंबी पोल के एकदम नजदीक आ गया और उसे हाथों से छूकर देखने लगा। उसके बाद उसकी नजर अयान, विपुल और यश पर पड़ी। उसने देखा कि वो तीनों अपने चुने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ चुके थे और तेजी से नीचे उतर रहे थे। नीचे उतरकर वो तीनों साधना की अवस्था में बैठ गए और अपनी शक्ति बढ़ाने लगे। आसपास के सभी योद्धाओं ने जब अयान, विपुल और यश को आसानी से चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ते देखा तो उन सभी के दिलों में जलन का ज्वार उठने लगा। उन सभी योद्धाओं को पता था कि जिस पोल पर वो तीनों चढ़े थे उस पोल पर चढ़ना कोई बच्चों का खेल नहीं था। कितने ही फर्स्ट ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा उस चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने की कोशिशों में परास्त होकर मुकाबलों से बाहर हो चुके थे। इस कारण से बड़ी संख्या में वहां पर योद्धा इकट्ठा होने लगे। हालांकि ये देखकर विराज को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। वो तीनों की शक्ति और काबिलियत से अच्छे से वाकिफ था और जानता था कि अयान, विपुल और यश जीनियस योद्धा थे। उनके लिए उस पोल पर चढ़ना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं था। वहां इकट्ठा हो चुके युवा योद्धाओं की भीड़ में से ही एक युवा ने कहा, अरे ये तो चंद्रवंशी परिवार का अयान चंद्रवंशी है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ आए दोनों युवा कलिंजर अंपायर से ही है। चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए कलिंजर अंपायर से बाहर के युवा भी बड़ी संख्या में आए थे। उन सभी के लिए कलिंजर अंपायर एक निर्वासित भूमि पर बसा राज्य था जिसके निवासी मानव प्रजाति के निकृष्ट लोग थे। कलिंजर अंपायर के बाहर से आने की वजह से वो सभी योद्धा अपने आप को कलिंजर अंपायर के योद्धा से ज्यादा काबिल और क्षमतावान मानकर चल रहे थे। ऐसे ही जब उन्होंने कलिंजर अंपायर के तीन युवा योद्धाओं को एक बेहद ऊंचे और मुश्किल चंद्रगुप्त पोल पर सफलतापूर्वक चढ़ते देखा तो उन सभी के अहंकार को भारी चोट पहुंच गई। वो सभी हतप्रभ नजरों से उन तीनों को देखे जा रहे थे। भीड़ में से ही कलिंजर अंपायर के बाहर एक युवा योद्धा ने कहा, यह आश्चर्य की बात है कि कलिंजर अंपायर भी अब ऐसे युवाओं को पैदा करने लगा जो केंद्र के चारों ओर बने 9 मंडप चंद्रगुप्त पोल में से एक पोल पर चढ़ गए। इस बार लगता है मुकाबला थोड़ा कड़ा होने वाला है। यह सुनकर कलिंजर अंपायर के एक योद्धा ने कहा, तुमने सही कहा, पिछली बार तो कलिंजर अंपायर के बाहर के योद्धा ने 9 मंडप चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफलता पाई थी। इस बार हम कलिंजर अंपायर वाले दिखाएंगे कि हम में है कितना दम। उसी समय एक दूसरे योद्धा ने कहा, ए इनके साथ आए इस लड़के ने केंद्र में बने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल को चुना है। क्या ये भी अयान चंद्रवंशी की तरह बड़ी पृष्ठभूमि का कोई युवा है? लगता है कि ये लड़का भी इन तीनों की ही तरह एक जीनियस योद्धा है। ये सुनकर बाहरी दुनिया के योद्धाओं के चेहरों पर अहंकार से उपजे क्रोध के बादल बरसने लगे। उनका मन हो रहा था कि अयान और बाकी दोनों को यही पीट पीट कर मार डाले। उनके हिसाब से अयान, विपुल और यश ने 9 मंडप पोल पर चढ़कर उन सभी का अपमान किया था जिसकी सजा उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। बाहरी दुनिया के एक युवा योद्धा ने दूसरे युवा योद्धा के कान में कहा, एक बार मुकाबला शुरू होने दो, फिर इन कलिंजर वालों की सारी अकड़ निकाल देंगे। इन्हें इनकी औकात ना दिखाई तो मैं भी विश नगर का योद्धा नहीं।
उसी समय कलिंजर अंपायर के एक युवा ने उत्साह में भरकर कहा, अगर सच में वो लड़का उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ पाया तो इसका मतलब हुआ कि कलिंजर अंपायर के चार युवाओं के केंद्र और 9 मंडप पोल पर चढ़ने में सफलता हासिल की। ऐसा हो गया तो बाहरी दुनिया के लोग हमें नहीं चिढ़ा पाएंगे और न ही सता पाएंगे। विराज का ध्यान उसके चारों ओर हो रही चर्चाओं से पूरी तरह से हट चुका था और उसका सारा ध्यान अब उसे गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर टिक चुका था। इस समय सिवाय उस पोल के उसे न तो कुछ दिखाई दे रहा था और न ही कुछ सुनाई दे रहा था। वो मानो एक अलग ही धुन में सवार होकर उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के साथ संवाद कर रहा था, मानो उस गगनचुंबी पोल के साथ एक गहरा रिश्ता बना रहा हो। वो उस पोल के अंदर बहने वाली ऊर्जा को अपने अंदर जीने की कोशिश कर रहा था ताकि उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल को अधिक से अधिक महसूस कर सके, उसकी ऊर्जा को आत्मसात कर सके। अयान ने जब विराज को उस गगनचुंबी पोल के पास खड़ा देखा तो उत्साह से भरकर कहा, विराज तुम्हारी प्रतिभा बेमिसाल है, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में तुम्हारे जैसा योद्धा नहीं देखा। अयान को अच्छे से मालूम था कि विराज क्या बला था। उस गगनचुंबी पोल से निकलने वाला दबाव विराज जैसे योद्धा के लिए कुछ नहीं था। विपुल ने भी अयान की हां में हां मिलाते हुए कहा, अयान एकदम सही कह रहा है, विराज तुम्हें इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने की कोशिश अवश्य करनी चाहिए। अगर तुम कामयाब भी नहीं रहे तो तुम 9 सामान्य नियमों के हिसाब से 9 मंडप पोल पर चढ़ सकते हो। 9 मंडप पोल पर चढ़ना तुम्हारे लिए कोई खास मुश्किलों भरा कार्य नहीं होगा, इसीलिए निश्चिंत होकर इस गगनचुंबी पोल को फतेह कर डालो। यश ने भी तुरंत कहा, विराज कर फतेह। यश की ये बात सुनते ही वहां मौजूद कलिंजर अंपायर के युवा वसु परिवार के युवाओं को छोड़कर एक स्वर में बोलने लगे, कर फतेह, कर फतेह, कर फतेह, कर फतेह। कुछ ही देर में वो सारी जगह कर फतेह के शब्दों से गूंज उठी। विराज ने वसु परिवार के युवाओं को छोड़कर कलिंजर अंपायर के बाकी युवाओं के मन में एक जोश भर दिया था। वो सभी इस बात से आनंदित हो रहे थे कि अगर कलिंजर अंपायर के युवा ने उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने में सफलता अर्जित कर ली तो बाहरी दुनिया के युवा योद्धाओं के पास चिढ़ाने के लिए कोई मुंह नहीं बचेगा। बाहरी दुनिया के युवा कलिंजर अंपायर के युवाओं को निर्वासित, परित्यक्त, त्याज्य कहकर संबोधित करते थे, जिससे कलिंजर अंपायर के युवाओं में भारी रोष व्याप्त था। बाहरी दुनिया के युवा समझ रहे थे कि विराज जरूर कलिंजर अंपायर का बहुत प्रतिभाशाली युवा योद्धा था, क्योंकि 9 मंडप पोल पर चढ़ने वाले तीनों योद्धा विराज को गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे थे, जिसका मतलब साफ था कि विराज की शक्ति और क्षमता उन तीनों से कहीं ज्यादा थी। इसीलिए वो तीनों विराज को उस कार्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे थे जिसे वो खुद करने की हिम्मत नहीं करते। ये बात समझ आते ही बाहरी दुनिया का एक युवा योद्धा चौंकते हुए बोला, कहीं ये युवा लड़का विराज वर्धन तो नहीं, जिसे कलिंजर अंपायर के पिछले 1000 सालों के सबसे होनहार युवाओं में से एक माना जा रहा है और इस सदी का सबसे महान युवा समझा जा रहा है। विराज कलिंजर अंपायर के सामान्य लोगों के बीच में प्रसिद्ध नहीं था, लेकिन वो कलिंजर अंपायर के शक्तिशाली परिवारों के योद्धाओं के बीच प्रसिद्ध था। साथ ही बाहरी दुनिया के भी शक्तिशाली परिवारों को विराज के बारे में पता था। चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बाहरी दुनिया के शक्तिशाली परिवारों के कई युवा योद्धा आए थे, जिन्हें कलिंजर अंपायर के अंदर विराज वर्धन नाम के एक युवा योद्धा के उदय के बारे में जानकारी थी। उन्हें यह मालूम था कि कलिंजर अंपायर में एक महान युवा योद्धा पैदा हुआ था जिसकी प्रतिभा की तुलना अग्नि देवी वैदेही के साथ की जा रही थी। भीड़ में से ही बाहरी दुनिया का एक जीनियस युवा योद्धा बोला, क्या सच में ये वही जीनियस योद्धा है जो एक ही बार में कलिंजर संस्थान के 20 मंजिलों को पार कर गया और जिसकी प्रतिभा ने कलिंजर सम्राट को उससे मिलने के लिए मजबूर कर दिया?
उसी समय कलिंजर अंपायर के एक युवा ने कहा, अरे केवल यही इसका प्रदर्शन नहीं है, एक मार्शल आत्मा योद्धा रहते हुए इसने एक मार्शल जीवन दस अमृत योद्धा को बुरी तरह से घायल कर दिया था और इसे एक खरोच तक नहीं आई थी। हालांकि वहां किसी को यह नहीं मालूम था कि विराज दो बार संत स्तर के योद्धा को मार चुका था। अगर ये बात वहां मौजूद योद्धाओं को पता चल जाती तो उन्हें खुद ही समझ आ जाता कि विराज उस गगनचुंबी पोल के पास जाकर क्यों खड़ा हो गया था, जिस गगनचुंबी पोल पर पिछले 1000 सालों में कोई भी चढ़ने का साहस नहीं कर पाया था। उस युवा की बात को सुनकर भीड़ में ही मौजूद एक युवा ने थोड़ी लाचारी के साथ कहा, अगर सच में ये सच है तो हो सकता है कि ये लड़का इस गगनचुंबी पोल पर भी चढ़ जाए। विराज के अंदर जितनी शक्ति और सामर्थ्य मौजूद था उससे वो एक मार्शल राजा योद्धा के साथ लड़ाई में उसे पराजित कर सकता था। उस गगनचुंबी पोल के अंदर से जितना दबाव बाहर निकल रहा था वो एक मार्शल राजा योद्धा को बाहर करने के लिए काफी था, लेकिन विराज की शक्ति उससे ज्यादा थी, इसीलिए वो इस भयंकर दबाव को झेलने की स्थिति में था। हालांकि उस दबाव को झेलते हुए उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ पाना उसके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। विराज को अच्छे से मालूम था कि वो एक बहुत बड़ी चुनौती के साथ टकराने वाला था, लेकिन जीवन में जब तक चुनौती बड़ी ना हो तब तक उससे टकराने में भी मजा कहां होता है। बस इसी कारण से विराज उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए खुद को तैयार कर रहा था। क्या विराज उस गगनचुंबी पोल पर चढ़ पाएगा और बाहरी दुनिया के सभी युवाओं के घमंड को तार तार करके रख देगा, या फिर उस पोल पर चढ़ने की कोशिश में असफल होकर बाहरी दुनिया के युवाओं को कलिंजर अंपायर के युवाओं पर हंसने का एक और मौका दे देगा। जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पॉकेट एफएम पर सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 344 विराज का हाहाकार। विराज प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के सामने खड़ा होकर उस पर चढ़ने की योजना बना रहा था। विराज को ऐसा करता हुआ देखकर बाहरी दुनिया से आए युवा योद्धा हतप्रभ रह गए। उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के चारों ओर बने अखाड़ों से आकर सभी योद्धा खड़े हो गए और हतप्रभ नजरों से विराज को देखने लगे। उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर पिछले 1000 सालों में कोई भी चंद्रगुप्त मुकाबलों का प्रतिभागी नहीं चढ़ सका था। ऐसे में अगर विराज उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ जाता तो बाहरी दुनिया के सामने कलिंजर अंपायर का कद ऊंचा हो जाता। बाहरी दुनिया के कितने ही योद्धा 9 मंडप पोल पर चढ़ने के प्रयास में असफल हो चुके थे। विराज की सफलता बाहरी दुनिया के युवा जीनियस योद्धाओं के अहंकार पर एक जोरदार तमाचा होती। वसु परिवार को छोड़कर कलिंजर अंपायर के सभी युवा योद्धाओं की नजरें विराज पर जा गड़ी और वो मन ही मन विराज की सफलता की दुआ करने लगे ताकि बाहरी दुनिया के युवाओं को कलिंजर अंपायर की हैसियत दिखा सके। उसी समय नफरत से भरी एक आवाज वहां गूंज गई, अच्छा तो अब ये दो कौड़ी का गरीब इंसान इस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ेगा? दिन में सपने देखने से वो हकीकत में नहीं बदल जाते, भाग्य के सहारे कुछ सफलताएं मिल जाने से कुत्ता शेर नहीं बन जाता। ऐसा कहते हुए नफरत और हिकारत उसके पूरे शरीर से दौड़ गई। ये आवाज सुनते ही सभी लोगों की नजरें उसके ऊपर जाकर टिक गई। वो इंसान कोई और नहीं वसु परिवार का दुलोचना वसु था, जो एक चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठा हुआ साधना कर रहा था और विराज को लेकर वहां मची हलचल से जलन की अग्नि में जल रहा था। वो विराज की तरफ कातिलाना नजरों से देखे जा रहा था। वर्धन परिवार और वसु परिवार के बीच के रिश्तों से तो वहां मौजूद ज्यादातर लोग परिचित थे। दुलोचना वसु की बात सुनकर बाहरी दुनिया के एक पीली पोशाक पहने युवा ने उसकी हां में हां मिलाते हुए कहा,
ये लड़का एकदम सही कह रहा है। ये लड़का कलिंजर अंपायर की मूर्खों की सेना का सेनापति है, जिसने कभी बाहरी दुनिया को देखा ही नहीं। अंधों में काना सरदार, कलिंजर अंपायर के मूर्ख और कमजोर लोग ही इसे जीनियस समझकर इसे पूछ सकते हैं। अब अगर गगन चुंबी चंद्रगुप्त पोल चढ़ना इतना सरल काम होता तो हम बाहरी दुनिया के युवाएं ये काम कब का कर चुके होते। मतलब जो काम बाहरी दुनिया के युवा नहीं कर सके, अब वो काम कलिंजर अंपायर के मामूली युवा योद्धा करेंगे। पीली पोशाक पहने युवा बाहरी दुनिया का एक जीनियस था, जिसे नहीं मालूम था कि विराज ने क्या क्या कार्य किए थे और क्यों वो कलिंजर अंपायर में प्रसिद्ध था। उसकी नजरों में तो कलिंजर अंपायर एक कचरा था, जहां मानव प्रजाति अपना कूड़ा डालती थी। उस कूड़े से एक पूरा राज्य बस गया। कलिंजर अंपायर का हर नागरिक उस पीली पोशाक वाले युवा के लिए कचरा ही था। इसीलिए जब उसने कलिंजर अंपायर के विराज की प्रशंसा सुनी तो उससे रहा नहीं गया और दुलोचना वसु की बात से उसे अपना गुस्सा दिखाने का मौका मिल गया। विराज ने जब दुलोचना वसु की बात सुनी तो उसने सभी लोगों की ओर देखते हुए उसकी नजर जाकर वसु परिवार के दुलोचना वसु पर टिक गई। उसने शांत स्वर में कहा, बरसात के मेंढक टर टर बहुत करते हैं, फेंकी हुई हड्डियों पर पलने वाले तुम्हारे जैसे कुत्ते क्या जाने शिकार करना क्या होता है। ऐसा कहने के बाद विराज तेजी से घूमा और गगन चुंबी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर चढ़ने लगा। उस गगन चुंबी पोल पर चढ़ते हुए उसके शरीर से बलशाली तलवार धार निकलने लगी। जल्द ही उसके शरीर से युद्ध विनाशी हथियारन तलवार धार निकलने लगी। उस हथियारन तलवार धार की शक्ति इतनी ज्यादा थी मानो वो हथियारन तलवार धार गगन और धरती को काट डालने के लिए आतुर हो। विराज के शरीर से निकलने वाली हथियारन तलवार धार का दबाव गगन चुंबी पोल के अंदर से निकलने वाले दबाव से कहीं ज्यादा था। उस शक्तिशाली तलवार धार के दबाव को महसूस कर भीड़ में से ही एक युवा ने हतप्रभ होते हुए कहा, क्या शक्तिशाली तलवार धार है। भीड़ में खड़े सभी युवा उस बलशाली तलवार धार के दबाव को अपने ऊपर महसूस कर आश्चर्य से भर उठे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा के शरीर से इतनी बलशाली विनाशी हथियारन तलवार धार निकल रही थी। बाहरी दुनिया से आए युवा कोई साधारण युवा नहीं थे, अपितु अपने अपने परिवारों के जीनियस युवा थे। इसीलिए वो उस तलवार धार की शक्ति से अच्छे से वाकिफ थे और उनके हिसाब से विराज के शरीर से निकलने वाली तलवार धार का दबाव किसी मार्शल मोनार्क स्तर के योद्धा के शरीर से निकलने वाली तलवार धार के बराबर था, जिससे वो सभी अंदर तक हिल गए थे। उस हथियारन तलवार धार के दबाव को अपने ऊपर महसूस कर दुलोचना वसु बेहद गंभीर हो उठा। बाहरी दुनिया के युवा स्तब्ध नजरों से विराज को गगनचुंबी पोल पर चढ़ता हुआ देखे जा रहे थे। बाहरी दुनिया के युवा ये तय मानकर चल रहे थे कि विराज गगनचुंबी पोल पर नहीं चढ़ पाएगा और जग हसाई करने का उन्हें बढ़िया मौका देगा। लेकिन अब विराज के शरीर से निकलने वाली बलशाली तलवार धार से वो सभी हिल गए थे। उसी समय बाहरी दुनिया का एक नीली पोशाक पहने युवा चिल्लाते हुए बोला, हाँ तो ठीक है, क्या हुआ, तलवार धार बहुत शक्तिशाली है, इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए शक्तिशाली तलवारधार किसी काम की नहीं। हालांकि वो युवा भी विराज की हथियारन तलवारधार से अंदर तक दहशत में आ गया था, लेकिन वो किसी भी हाल में विराज की प्रतिभा को वहां पर अस्वीकृत होते देखना चाहता था, ताकि ये साबित हो सके कि कलिंजर अंपायर के लोग कचरे से ज्यादा कुछ नहीं होते। बाहरी दुनिया के कई योद्धा इस बात से घबरा रहे थे कि अगर विराज सच में उस पोल पर चढ़ाई पूरी कर लेता तो वो कलिंजर अंपायर के युवाओं के सामने छोटे दिखाई पड़ते। इस चीज को सहन करने से अच्छा तो ये होता कि वो यहां आते ही नहीं। उन युवाओं ने जब नीली पोशाक युवा की बात सुनी तो उन्हें अंदर ही अंदर बड़ी राहत महसूस हुई। उनके अंदर का अहंकार फिर से जाग उठा, वो फिर से अहंकारी हंसी से मुस्कुराने लगे। विराज ने जब उस बाहरी दुनिया के योद्धा की बात सुनी तो उसके चेहरे पर नफरत उभर आई। उसने तुरंत स्वर्गीय चाल तकनीक से गगनचुंबी पोल पर तेजी से चढ़ना शुरू कर दिया
उस गगनचुंबी पोल से निकलने वाली शक्तिशाली आभा विराज के लिए किसी ठंडी हवा के झोंके की तरह था, जिसे वो मजे से अवशोषित करता हुआ ऊपर चढ़ता जा रहा था। कुछ ही समय में विराज ने गगनचुंबी पोल की आधी दूरी तय कर ली। नीचे खड़े बाहरी दुनिया के युवा योद्धा ये देखकर मनी मन विराज के गिरने के कसीदे पढ़ने लगे। वो किसी भी तरह विराज की पराजय चाहते थे। बाहरी दुनिया के कुछ युवा योद्धा जो काला जादू की कला में विद्वान थे, वो विराज पर कोई काला जादू करने के बारे में सोच रहे थे। हालांकि उन्हें ये नहीं मालूम था कि विराज के पास काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक थी, जिसकी वजह से स्वर्ग स्तर से नीचे का कोई भी आत्मा का हमला उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता था। अयान, विपुल और यश भी विराज की तेज रफ्तार देखकर चकित रह गए थे। उन्हें विराज पर भरोसा तो पूरा था, लेकिन विराज इतने कम समय में आधी दूरी तय कर लेगा, इसकी उम्मीद उन्हें बिल्कुल भी नहीं थी। वो हमेशा की तरह विराज की क्षमता से चकित ही रह गए थे। हालांकि गगनचुंबी पोल की आधी ऊंचाई को पार करने के बाद विराज को समझ आ रहा था कि आगे की ऊंचाई चढ़ने में आने वाली दिक्कत पहले की तुलना में 10 गुना या कहे तो 100 गुना तक ज्यादा मुश्किल होने लगी थी। लेकिन विराज सभी मुश्किलों का सामना करते हुए ऊपर की ओर चढ़ता जा रहा था। ये देखकर यश ने गहरी आह भरते हुए कहा, विराज की प्रतिभा बिरला है। ऐसी महाशक्तिशाली प्रतिभा तो अग्नि देवी वैदेही की तरह दुनिया पर राज करने के लिए पैदा होती है। ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इतना बलशाली दोस्त मिला, लेकिन इतने बलशाली दोस्त की कीमत भी बड़ी चुकानी होती है। वसु परिवार का दुलोचना वसु विराज की रफ्तार देखकर हतप्रभ रह गया था। उसके अंदर विराज को लेकर नफरत बढ़ती चली जा रही थी। उसे अच्छे से मालूम था कि विराज को मारने के लिए वसु परिवार ने अपने कितने ही हथियारे भेजे थे, लेकिन सभी के सभी मारे गए थे। इसकी वजह से वसु परिवार को भूत प्रजाति को शांत करने के लिए अपार संसाधन खर्च करने पड़ते थे। विराज की बढ़ती हुई शक्ति को देखकर दुलोचना वसु को समझ आ रहा था कि क्यों उसका परिवार विराज को मारने के लिए एक के बाद एक हथियारे भेज रहा था और मुंह मांगी कीमत चुका रहा था। दुलोचना वसु का इस मुद्दे पर वसु परिवार के ही कुछ बड़ों से झगड़ा भी हो गया था कि क्यों एक लड़के को मारने के लिए इतना अपव्यय किया जा रहा था। लेकिन अब उसे अपने परिवार की कोशिशें एकदम सही लग रही थी। विराज की प्रतिभा आगे चलकर वसु परिवार के विनाश का कारण बन सकती थी। ये सोचते हुए दुलोचना वसु ने खुद से कहा, हम इसे खुला नहीं छोड़ सकते, इसे किसी भी कीमत पर मारना ही होगा। दुलोचना वसु को मालूम था कि उसके अंदर जितनी शक्ति थी उससे विराज को मार पाना मुमकिन नहीं था, लेकिन वो ये भी जानता था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए बाहरी दुनिया के बहुत से योद्धा आए थे। कुछ योद्धा तो बहुत दूर का सफर तय करके यहां पहुंचे थे। उन योद्धाओं में कुछ योद्धा बहुत ही शक्तिशाली शिकारी भी थे। इसके साथ ही ऐसे कई योद्धा भी थे जो इन मुकाबलों से बाहर रहकर सिर्फ इन मुकाबलों को यहां देखने आए थे। ऐसे में किसी शिकारी योद्धा को उचित मूल्य देकर उससे विराज की हत्या करवाई जा सकती थी। यही बात दुलोचना वसु के मस्तिष्क में फन फैलाने लगी। दुलोचना वसु को मालूम था कि उचित मूल्य मिलने पर कई शिकारी योद्धा विराज को मारने के लिए तैयार हो जाते। विराज कलिंजर अंपायर के सामान्य परिवार से आता था, इसीलिए किसी भी शिकारी योद्धा को विराज की सुपारी लेने में संकोच नहीं होता। ऐसा सोचते ही दुलोचना वसु ने मन ही मन कहा, विराज जितना जीना है जी ले, फिर तो तुझे मरना ही होगा। तेरी मौत की खबर जब अपने परिवार को दूंगा तो हो सकता है मुझे परिवार के अंदर कोई बड़ा पद भी दे दे। ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर विकराल हंसी उभर आई। विराज का दिमाग पूरी तरह से गगनचुंबी पोल पर चढ़ने पर था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ता जा रहा था, पोल के ऊपर से भयंकर दबाव उसके ऊपर पड़ता जा रहा था। चारों दिशाओं से भारी दबाव आ आकर उसे पोल से नीचे गिराने के लिए धक्के मारे जा रहे थे। उसी समय उसका एक हाथ पोल से छूट गया और वो हवा में लटक गया।
ये देखकर नीचे खड़े बाहरी दुनिया के युवाओं के शिकन भरे चेहरों पर उत्साह लौटने लगा, लेकिन अगले ही पल उनके उत्साह को वापस शिकन की तरफ भेजते हुए विराज ने अपने आप को अच्छे से संभाल लिया। ऊपर की ओर चढ़ते जाने पर विराज के ऊपर आत्मा के हमले होने लगे। विराज की अंतरात्मा के समुद्र में तेज लहरें उठने लगी। उसका सारा शरीर आत्मा के इस हमले से कांपने लगा। उसे मूर्छा आने लगी, उसका सिर चकराने लगा। विराज ने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने का कार्य शुरू कर दिया था, तो क्या ऐसा करना विराज की एक बड़ी गलती साबित होने वाला था? क्या विराज का ये प्रयास बाहरी दुनिया के युवाओं को कलिंजर अंपायर को अपमानित करने का साधन बनने वाला था? दुलोचना बसु आखिर विराज के साथ क्या करने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 345 विराज पोल पर। विराज गगनचुंबी पोल के ऊपर चढ़ता जा रहा था। ये देखकर बाहरी दुनिया के युवाओं के दिल जले जा रहे थे। वही कलिंजर अंपायर के युवाओं के चेहरों पर खुशी जगमगा रही थी। भले ही विराज उनका प्रतिस्पर्धी था और आगे चलकर उनके लिए शक्तिशाली प्रतिस्पर्धी साबित होने वाला था, लेकिन इस समय बात कलिंजर अंपायर के सम्मान के साथ आ जुड़ी थी। विराज की जीत से पूरे कलिंजर अंपायर का सिर बाहरी दुनिया के युवाओं के सामने ऊंचा हो जाता। विराज जैसे जैसे पोल के ऊपर चढ़ता जा रहा था, उसके ऊपर शक्तिशाली आत्मा का हमला शुरू हो चुका था। उस शक्तिशाली आत्मा के हमले से उसके अंतरात्मा के समुद्र के ऊपर तेज हलचल हो रही थी। अगर उसकी आत्मा की शक्ति महाप्राण अवस्था तक नहीं पहुंची होती और उसने काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक पर महारत नहीं हासिल की होती, तो इस समय अपने ऊपर हो रहे आत्मा के हमले को झेल पाना उसके लिए मुमकिन नहीं हो पाता। अपने ऊपर हो रहे आत्मा के शक्तिशाली हमले को महसूस कर विराज ने खुद से कहा, कोई आश्चर्य की बात नहीं कि क्यों पिछले 1000 सालों के इतिहास में इस गगनचुंबी पोल पर कोई चढ़ नहीं पाया। इतने शक्तिशाली आत्मा के हमले के बीच विराज को अटल रहकर ऊपर चढ़ता देखकर सभी योद्धा चमत्कृत हो रहे थे। वो सभी योद्धा अपनी आत्मा की शक्ति के लिए अपनी मार्शल क्षमता पर निर्भर थे, जिस कारण से उनकी आत्मा की शक्ति सीमित थी। उनमें से ज्यादातर योद्धा मार्शल राजा या जीवन रस अमृत स्तर पर पहुंचने के बाद ही किसी ऐसी तकनीक या कला को हाथ लगाने की हिम्मत कर पाते जो आत्मा की शक्ति बढ़ाने से जुड़ा हो। वहां मौजूद योद्धाओं को समझ नहीं आ रहा था कि सिर्फ एक फर्स्ट ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा होने के बावजूद वो गगनचुंबी पोल के इतने शक्तिशाली आत्मा के हमले को कैसे झेल पा रहा था। ये सवाल वहां पर मौजूद ज्यादातर युवा योद्धाओं के लिए एक अबूझ पहेली बन चुका था। उन्हें नहीं मालूम था कि विराज के पास उनके पूर्वजों की शक्तिशाली विरासत काले तेंदुए के 9 घेरे तकनीक थी, जिसकी बदौलत विराज की आत्मा पर कोई हमला नहीं कर सकता था। साथ ही विराज के पास एक सिस्टम था जिसकी मदद से विराज की आत्मा की शक्ति महाप्राण शून्य अवस्था तक पहुंच चुकी थी। इन सभी कारणों के अलावा विराज ने हाल ही में तूफानी रू बूटी गोलियों का सेवन किया था। उन गोलियों की वजह से विराज की आत्मा की शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। विराज अब धीमी गति से गगनचुंबी पोल पर चढ़ रहा था। काले तेंदुए के 9 घेरे की मदद से वो अपने ऊपर हो रहे आत्मा के हमले को झेलता जा रहा था। वो एक अडिग चट्टान की तरह अपने ऊपर पड़ रहे हर प्रहार को मजबूती के साथ सहता चला जा रहा था। उसकी अंतरात्मा का समुद्र हर हमले को सोखता जा रहा था। कुछ समय बाद विराज का शरीर जम सा गया। उसकी भौहों के बीच के हिस्से में तेज दर्द उठने लगा। उसी समय उसके शरीर से आत्मा की शक्ति का तेज विस्फोट हो गया। वहां चारों ओर विराज की आत्मा की शक्ति फैल गई। काले तेंदुए की आभासी आकृति विराज के सामने हवा में दहाड़ने लगी। विराज के अंदर एक नई शक्ति का संचार होने लगा।
विराज तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। कुछ ही समय में विराज गगनचुंबी पोल के दो तिहाई हिस्से तक चढ़ गया। कलिंजर अंपायर के युवाओं के चेहरों पर एक अलग ही खुशी चमचमाने लगी जब उन्होंने विराज को गगनचुंबी पोल का दो तिहाई हिस्सा पार करते देखा। एक युवा ने खुशी से चहकते हुए कहा, विराज के जीतने का मौका तो है, बाकी रब की मर्जी। इसके साथ ही विराज के इस रूप को देखकर कई सारे योद्धाओं का चेहरा उतर गया। उन्हें समझ आ रहा था कि विराज के अंदर असीम शक्तियां थी। ऐसे में अगर विराज गगनचुंबी पोल पर चढ़ने में कामयाब हो गया तो उनके लिए विराज को सीधे मुकाबले में हरा पाना संभव नहीं था। उन्हें लगा था कि विराज के हाथों हारकर उनकी किरकिरी होने वाली थी। बाहरी दुनिया से आए कई जीनियस योद्धा तो विराज के प्रदर्शन को देखकर मन ही मन चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने के अपने फैसले पर पश्चाताप कर रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्हें चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने आना ही नहीं चाहिए था। विराज के पास नीचे खड़े युवाओं के बारे में सोचने के लिए ऊर्जा ही नहीं बची थी। उसके ऊपर हो रहे लगातार आत्मा के हमलों की वजह से उसकी ऊर्जा तेजी से खत्म होती जा रही थी। कुछ ही देर में उसकी सारी ऊर्जा खर्च होने वाली थी। उसकी अंतरात्मा के समुद्र में जोर जोर से लहरें उठने लगी। उसके शरीर के सभी अंगों में थकावट बहुत तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही थी। उसे तेज चक्कर आने लगे थे। उसके सिर में दर्द उठने लगा था। धीरे धीरे उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे हल्की मूर्छा आने लगी। विराज ने खुद को कोसते हुए कहा, इसका दबाव तो बढ़ते बढ़ते हद से ज्यादा बढ़ते जा रहा है। सच में जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल हो रहा है। इसकी अभेदता का राज अब समझ आ रहा है मुझे। विराज को अच्छे से मालूम था कि उसकी आत्मा की शक्ति एक साधारण जीवन रस अमृत योद्धा से ऊपर जा चुकी थी। काले तेंदुए के नौ घेरे तकनीक के सहारे तो वो चरम जीवन रस अमृत योद्धा के आत्मा के हमले को आसानी से झेल सकता था। उसकी आत्मा की शक्ति इतनी ज्यादा शक्तिशाली हो चुकी थी। इसके बावजूद उसकी अंतरात्मा के समुद्र में भयानक चक्रवात और तूफान उठ रहा था, तो इससे वो वहां हो रहे आत्मा के हमले की शक्तियों का आकलन लगा पा रहा था। अगर उसकी आत्मा की शक्ति जरा सी भी कमजोर होती तो अभी तक तो गगनचुंबी पोल के आत्मा के हमले से वो नीचे जमीन पर फेंक दिया गया होता और वो जमीन पर पड़ा होकर खून की उल्टियां कर रहा होता। विराज के ऊपर चारों दिशाओं से हमला हो रहा था। गगनचुंबी पोल के चारों ओर जिन रचनाकारों को स्थापित किया गया था वो बहुत ही ज्यादा रहस्यवादी जटिल थी और साधारण स्वर्ग के गर्व योद्धा तो उस शक्तिशाली रचनाकारों का सामना करने की स्थिति में नहीं थे। विराज वहां पर चारों ओर महाशक्तिशाली रचनाकारों को महसूस कर पा रहा था। उन रचनाकारों की महान तिलस्मी शक्तियों को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर कलिंजर अंपायर से भी काफी समय पहले का था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर और प्राचीन अग्निदेवी नगर मिलकर महाशक्तिशाली रचनाकार की मदद से प्राचीन जैसलमेर की भूमि के नीचे की सारी ऊर्जा को अपनी ओर खींच रहे थे। इसके बाद कहीं जाकर पहले कलिंजर सम्राट ने कलिंजर अंपायर की स्थापना की। इसके बाद आगे के राजाओं ने चंद्रगुप्त मुकाबलों को जारी रखने के लिए किसी खजाने का उपयोग किया था। हालांकि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में कलिंजर अंपायर की शक्तियां कम ही काम करती थी। इसे इसी रूप में बनाया गया था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के साथ साथ अग्निदेवी मुकाबले भी प्राचीन अग्निदेवी नगर के नियंत्रण में ही थे। हालांकि प्रथम कलिंजर सम्राट अग्निदेवी मुकाबलों को नियंत्रित करते थे। उनकी मौत के बाद अग्निदेवी मुकाबले वापस से प्राचीन अग्निदेवी नगर के ही अधिकार में चले गए थे। जिस समय कलिंजर सम्राट यहाँ आए थे यहाँ पर चारों ओर दूर दूर तक कुछ नहीं था, सिर्फ बीच बीच में कुछ जगहों पर हरियाली थी। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के केंद्र में एक गगन को भेदने वाला गगनचुंबी पोल था। उस पोल के चारों ओर दूर
जूमी पोल से चिपके रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। विराज गगन जूमी पोल पर चढ़ते हुए उसके सबसे अंतिम सिर की चोटें लगी थी और गगन जूमी पोल से निकलने वाली ऊर्जा के सामने वो गगन जूमी पोल कितना ज्यादा शक्तिशाली था। उन सभी तथ्यों का मुआयना करने के बाद सम्राट के पहले से वहां मौजूद थे और सदियों से वहां चारों ओर धरती के नीचे मौजूद ऊर्जा की मात्रा को बड़े पैमाने पर सोखे जा रहे थे। प्रथम कलिंजर सम्राट ने जब गगनचुंबी पोल का मुआयना किया तो पाया कि उस गगनचुंबी पोल की शक्ति बेमिसाल थी और उसके शक्तिशाली हमलों से बच पाना किसी युवा योद्धा के बस की बात नहीं थी। उस समय प्रथम सम्राट ने इस गगनचुंबी पोल के अंदर कुछ परिवर्तन कराने की कोशिश की थी, हालांकि वो इस कोशिश में पूरी तरह से नाकाम रहे थे और जानते थे कि वो गगनचुंबी पोल कितना ज्यादा शक्तिशाली था। उन सभी तथ्यों का मुआयना करने के बाद प्रथम सम्राट ने कहा, इस गगनचुंबी पोल की सभी शक्तियों को धता बताकर शायद ही कोई युवा योद्धा इस पोल पर चढ़ने में सफल हो सके। प्रथम कलिंजर सम्राट ने उस गगनचुंबी पोल की नकल करते हुए वहां चारों ओर बड़ी संख्या में चंद्रगुप्त पोल की स्थापना करवाई थी। इसी वजह से वहां मौजूद सभी चंद्रगुप्त पोल की तुलना में गगनचुंबी पोल की शक्ति 10 से 20 गुना तक ज्यादा थी और गगनचुंबी पोल पर चढ़ना बाकी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने की तुलना में कई गुना मुश्किल कार्य था। गगनचुंबी पोल से निकलने वाली ऊर्जा के सामने अडिग चढ़ते रहने के लिए अद्भुत शक्ति और प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ती थी। यही कारण भी था कि गगनचुंबी पोल बाकी पोल की तुलना में अपराजय नजर आता था और कोई भी योद्धा उस पर चढ़ने के लिए हिम्मत नहीं कर पाता था। हालांकि ऐसा नहीं था कि योद्धाओं ने कोशिश नहीं की थी। पिछले 1000 सालों के इतिहास में कुछ योद्धाओं ने गगनचुंबी पोल पर चढ़ने की कोशिश की थी, लेकिन उनमें से ज्यादातर योद्धा गगनचुंबी पोल के आधे हिस्सों को पार करने के बाद नीचे गिर पड़े थे, जिससे उन्हें गहरी चोटें लगी थी और महीनों के इलाज के बाद वो ठीक हो सके थे। विराज के पास मौजूद मार्शल तकनीक और स्किल बहुत ज्यादा शीर्ष स्तर की नहीं थी, लेकिन विराज के सिस्टम की मदद से अपनी सभी मार्शल तकनीकों और मार्शल स्किलों को मिलाकर एक कर लिया था, जिससे उसकी मार्शल तकनीक और स्किल बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो उठी थी। वो एक विशेष प्रकार की तकनीक बन चुकी थी जिसे उसके प्रारब्ध से ही संबोधित किया गया था। फिर चाहे वो करिश्मा सृजन मार्शल तकनीक हो या मौत की हुंकार तलवार तकनीक हो या स्वर्ग की रफ्तार मूवमेंट तकनीक हो, ये सभी तकनीकें भले ही दुनिया की सर्वोत्तम तकनीकें नहीं थी, लेकिन इन्हें विराज ने खुद की साधना से हासिल किया था। इसीलिए ये सभी तकनीकें उसके आधार के साथ बहुत गहराई से जुड़ गई थी। गगनचुंबी पोल के दो तिहाई हिस्से पर चढ़ने के बाद आगे के हिस्से पर चढ़ने के लिए बहुत जरूरी था कि योद्धा का आधार बहुत मजबूत हो और उसकी सभी तकनीकें उसके आधार के साथ गहराई से जुड़ी हो। विराज गगनचुंबी पोल से होने वाले सभी प्रहारों को झेलते हुए तेजी से ऊपर चढ़ता जा रहा था। वो ऊपर चढ़ते चढ़ते बादलों तक पहुंच चुका था। जल्द ही विराज गगनचुंबी पोल के बिल्कुल आखिरी हिस्से तक पहुंच गया। इस आखिरी हिस्से की चढ़ाई करना सबसे ज्यादा दुष्कर कार्य था। यह हिस्सा बादलों से ऊपर था। यहां पर धरती और आकाश की ऊर्जा की अनंत धाराएं आकर मिल रही थी, जिससे यहां पर ऊर्जा का प्रवाह महाप्रलय के स्तर पर जा पहुंचा था। ऊर्जा के भीषण धारा के प्रवाह से समय समय पर आकाश कांप उठता था, जिससे गगनचुंबी पोल में तेज हलचल होने लगती थी और वो बहुत ही ज्यादा जोर जोर से हिलने लगता था। इससे विराज के लिए उस गगनचुंबी पोल से चिपके रह पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा था। विराज गगनचुंबी पोल पर चढ़ते हुए उसके सबसे अंतिम सिरे पर पहुंच चुका था, जहां पर उसे भयंकर हमलों का सामना करना पड़ रहा था। तो क्या विराज इन सभी हमलों को झेलते हुए गगनचुंबी पोल पर सफलतापूर्वक चढ़ पाएगा या नहीं, जानने के लिए सुनते रहिए मेड शक्तिमान एपिसोड 346 विराज की जीत। विराज गगनचुंबी पोल पर चढ़ता हुआ बादलों को पार कर चुका था। उसके चारों ओर ऊर्जा का बवंडर महाप्रलय मचाए हुए था। विराज को मालूम था कि आखिरी बचा हुआ यह चरण उसके लिए सबसे ज्यादा मुश्किल होने वाला था।
धरती की नसों से निकलने वाली ऊर्जा अपार मात्रा में वहां पर इकट्ठा होती जा रही थी, मानो विराज को निगल जाने के लिए वो एक रौद्र रूप अख्तियार कर रही हो। विराज के बादलों के पार जाते ही वहां चारों ओर तेज तूफान उठ खड़ा हुआ। जोर जोर से बिजलियां चमक उठी जो रह रहकर विराज पर बरसने लगी। ये देखकर विराज ने समर सिंह की अधूरी तलवार को बाहर निकाल लिया और अपनी तलवार से उन बिजलियों को अपने ऊपर गिरने से रोकने लगा। बिजलियों के गिरने की जोरदार आवाज से पूरा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर थरथरा उठा। पृथ्वी की शिराओं से अनंत ऊर्जा निकलकर विराज के चारों ओर जोर जोर से घूमने लगी। ऊर्जा का वो पर्वत विराज पर भयंकर दबाव बनाता चला जा रहा था। वो विराज को किसी भी हाल में पोल से नीचे गिरा देने के लिए बेताब हो रहा था। बादलों पर उठता तूफान, गगनचुंबी पोल से निकलती ऊर्जा और पृथ्वी की शिराओं से आती ऊर्जा के सम्मिलित प्रभाव से विराज कांप उठा। इसके अलावा विराज को महसूस हो रहा था कि शून्य से उसके ऊपर भीषण हमला करने की तैयारियां चल रही थी। उसी समय एक महाविनाशी आत्मा प्रहार उसके ऊपर हो गया। हालांकि विराज को यह समझ नहीं आया कि यह प्रहार किस दिशा से उसके ऊपर हुआ था। उस महाविनाशी आत्मा प्रहार से उसका सारा शरीर कांप उठा। यह महसूस कर विराज ने उत्तेजित होते हुए कहा, तुम मुझे रोकना चाहते हो? आज चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इस प्रयास में मेरी मार्शल क्षमता कमजोर हो जाए या फिर मेरे प्राण ही क्यों ना चले जाए, मैं इस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़कर रहूंगा। मैं इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए हर कीमत चुकाने के लिए प्रस्तुत हूं। विराज के ऊपर हो रहे उस महाविनाशी आत्मा हमले से विराज की अंतरात्मा के समंदर में सुनामी आ चुकी थी। उसका सारा शरीर धीरे धीरे अनियंत्रित होता जा रहा था। उस महाविनाशी हमले से अचानक से विराज के दिल में मौजूद तलवार पूर्वज की तलवार मणि में तेज हलचल होने लगी। विराज ने तलवार मणि को सक्रिय नहीं किया था, अभी तो विराज के शरीर से अधिकतम वैशी तलवार धार निकल रही थी। उसके बावजूद महाविनाशी आत्मा प्रहार ऊर्जा को रोक पाने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। इससे उसके दिल में मौजूद तलवार मणि सक्रिय हो उठी। उसी समय विराज की भौहों पर भारी दबाव पड़ने लगा। उसका माथा सूजकर फूलने लगा। एक अदृश्य तलवार रोशनी उसी समय विराज के अंतरात्मा के समुद्र से ऊपर उठने लगी और विराज की भौहों के बीच से होकर विस्फोट के रूप में अपार शक्ति के लिए बाहर निकलने लगी। और देखते ही देखते विराज के चारों ओर आत्मा तलवार ऊर्जा का एक शक्तिशाली तूफान उठ खड़ा हुआ। विराज के चारों ओर अनंत तलवार बिजलियां पृथ्वी और बादलों की असीम ऊर्जा से टकरा रही थी। इस टकराहट से वहां पर अनंत बिजलियां जाग उठी। नीचे खड़े युवाओं ने जब ये नजारा देखा तो अनंत बिजलियों की उन अनंत चमक की वजह से उन सभी की आंखें चौंधिया गई और उन सभी को मजबूरी में अपनी नजरें विराज की तरफ से हटानी पड़ी। इस समय विराज दिखने में किसी आत्मा तलवार ऊर्जा के देवता से कम नहीं लग रहा था। इस समय अगर कोई युवा योद्धा विराज के समीप आने की कोशिश करता तो पल भर में ही उसके शरीर के चीथड़े उड़ जाते। दूसरी ओर विराज को समझ आ रहा था कि उस आत्मा तलवार ऊर्जा के भारी दबाव से उसकी आत्मा को गंभीर चोट पहुंच सकती थी और अगर ऐसा हो जाता तो वो जीवन भर सिर्फ एक लाश बनकर ही रह जाता। पृथ्वी और आकाश की अनंत ऊर्जा ने उस आत्मा तलवार ऊर्जा को विराज के चारों ओर इतना कसकर बांध दिया था कि वो आत्मा तलवार ऊर्जा विराज की आत्मा को चूर चूर करने पर आमादा हो उठी थी। ये समझ आने के बावजूद विराज ने ऊपर चढ़ना जारी रखा। वो गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के लिए अपने प्राणों तक की बलि देने को भी तैयार था। वो चिल्लाया, तुम्हें मेरे लिए रास्ता देना ही होगा। उसके चेहरे पर तनाव, भय, आक्रोश, क्रोध सभी भाव एक साथ अपनी सभी भंगिमाओं के साथ रौद्र रूप में नाच रहे थे। उसका सारा शरीर आत्मा प्रहारों और आत्मा तलवार ऊर्जा के बवंडर से भीग कर दर्द से भर उठा। उसकी बाईं आंख से हल्का हल्का खून बाहर निकलने लगा। धरती और आकाश के भयानक दबाव के चलते विराज के पूरे शरीर में हजारों दरारें पड़ने लगी। उसकी नसों में भी दरारें पड़ने लगी। उसके शरीर के एक एक हिस्से में घाव उभरने लगे। उसकी मार्शल तकनीक करिश्मा इंसर्जन अपने चरम पर जाकर नष्ट होना शुरू होने लगी। उसी समय विराज के मुंह से बड़ी मात्रा में खून निकलने लगा। उसके सारे कपड़े उस खून से लाल लाल हो उठे। उसके पूरे शरीर में अनंत घाव उभरने लगे और सारे शरीर से खून रिसने लगा। इस वजह से दूर से देखने पर वो एक खूनी लाल इंसान दिखाई देने लगा। उसकी सूझबूझ जाने लगी। विराज उस बेहोशी की हालत में भी सम्राट समर सिंह की तलवार को पकड़े ऊपर चढ़ा जा रहा था। उसने अपनी तलवार से उस अनंत अपार अगोचर ऊर्जा राशि पर वार करने शुरू कर दिए। उन वारों और अनंत ऊर्जा की आपसी टकराहट से गड़गड़ाहट के साथ पूरा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर कांप उठा। वहां चारों ओर हवा के मकड़ी के जाल की तरह अनगिनत दरारें पड़ने लगी।
लेकिन पृथ्वी की नसों से आ रही अपार ऊर्जा राशि के चलते हवा में बनी वो सभी दरारें उसी पलों में भर गई। धरती और बादलों की महाप्रलयकारी ऊर्जा विराज के शरीर को भार डालने के लिए बेकरार हो रही थी। अनंत बिजलियां रह रहकर विराज के शरीर पर गिरती जा रही थी। बिजलियों के अनंत प्रहारों से विराज के शरीर में अनगिनत घाव उभर आए थे। जमीन पर खड़े योद्धा ये सब नजारा देखकर कुछ कहने की स्थिति तक में नहीं बचे थे। वो सभी तो बस मुंह भरे एक टक गगन में विराज के ऊपर हो रहे उस महाप्रलयकारी हमले को देखे जा रहे थे। विराज का पूरा शरीर लहूलुहान हो उठा। विराज लगभग अपनी चेतना अपनी सुधबुद्ध को खो चुका था। उसके मुंह से लगातार खून बहता जा रहा था। उसके बावजूद किसी अंदर की शक्ति के बलबूते वो अभी भी सम्राट समर सिंह की तलवार को थामे गगनचुंबी पोल पर चढ़ता जा रहा था। वो अभी भी हल्की आवाज में कह रहा था, मैं चढ़कर रहूंगा, मैं चढ़कर रहूंगा। इस सब के बावजूद विराज के शरीर से शक्तिशाली आभा निकल रही थी। उसकी आंखें भले ही खून से भर चुकी थी, फिर भी उनमें उम्मीद की एक गहरी चमक थी। कभी ना हार मानने वाली चमक, कभी ना झुकने वाली चमक, अपने लक्ष्य पर किसी भी हाल में टिके रहने की चमक। विराज की इस महान जिजीविषा को देखकर बाहरी दुनिया के युवाओं के सिर झुक गए। वो हमेशा से कलिंजर अंपायर को नगण्य मानते आए थे। आज उसी कलिंजर अंपायर का एक युवा मौत के सामने अडिग खड़ा था, जो पृथ्वी और बादलों की उस महाप्रलयकारी शक्ति के सामने मरने के लिए प्रस्तुत था, लेकिन हारने के लिए नहीं। उसके शौर्य और शक्ति के सामने उनकी शक्ति नगण्य थी। उनके मन में जलन और ईर्ष्या की अग्नि उठ रही थी। ये महान दृश्य देखकर अयान की सांसें उसकी हलक में ही अटक कर रहेगी। उसने हतप्रभ होते हुए कहा, विराज सच में हद से पार शक्तिशाली है। अयान को पता था कि विराज की शक्ति बेमिसाल थी, लेकिन हर बार की तरह विराज ने अपनी शक्ति और प्रदर्शन से उसे एक बार फिर चौंका दिया था। हर बार विराज अपनी शक्ति के एक नए स्तर पर खड़ा अयान को दिखाई देता था। आज तो विराज के प्रदर्शन को देखकर अयान को समझ आ रहा था कि विराज उससे कहीं ज्यादा आगे निकल चुका था। वो तो अब विराज की परछाई तक से बराबरी करने के लायक नहीं बचा था। यशवंगम ने भी ये नजारा देखते हुए अपने मुंह से विषैली गैसें निकालते हुए कहा, पता नहीं विराज से मित्रता करने का प्रयास करना मेरा दुर्भाग्य था या फिर एक महान सौभाग्य से भरा साक्षात्कार। विराज तुम्हारी प्रतिभा धन्य है, तुम्हारी हिम्मत धन्य है। विराज की प्रतिभा के सामने वो तीनों खुद को काफी कमजोर महसूस कर रहे थे। बिना विराज के वो तीनों कलिंजर संस्थान के हीरो थे, लेकिन अब अपने मन के कोने में वो तीनों अपने आप को कोई साधारण योद्धा से ज्यादा नहीं रख सकते थे। विराज के उस दिव्य स्वरूप को देखकर विपुल के चेहरे के भावों में कोई तब्दीली नहीं आई थी, लेकिन उसके शरीर के चारों ओर तलवार ऊर्जा जोर जोर से घूम रही थी। उस ऊर्जा से उसका पूरा शरीर सघन तलवार ऊर्जा से भर उठा। उस तलवार ऊर्जा की जो सबसे खास बात थी वो ये थी कि उसके चारों ओर बड़ी मात्रा में चंद्रगुप्त ऊर्जा इकट्ठी होती जा रही थी। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की यही खास विशेषता थी। वो हर वर्ष कुछ चुनिंदा योद्धाओं को अपने खास चंद्रगुप्त ऊर्जा से नवाजती थी। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने इस बार उन चुनिंदा योद्धाओं में विपुल को भी चुना था। इस वजह से विपुल के चारों ओर चंद्रगुप्त ऊर्जा बवंडर का रूप धारण करके घूम रही थी और धीरे धीरे करके उसके शरीर में समाती चली जा रही थी, जिसका मतलब था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने विपुल को अपनी खास शक्ति सौंपी थी। कलिंजर अंपायर के सभी युवा विराज के इस शौर्य से भरे हुए प्रदर्शन को देखकर दंग रह चुके थे। वो सभी युवा भी विराज के प्रतिस्पर्धी थे और उनके भी मन में विराज के प्रति घोर जलन उठ रही थी, लेकिन बाहरी दुनिया के युवाओं से अपने अपमान का बदला लेने के लिए वो सभी विराज को जीतता हुआ देखना चाह रहे थे। नहीं तो मन ही मन वो सभी विराज की हार की ही कामना करते। उसके बावजूद उन्हें भी यकीन नहीं हो पा रहा था कि विराज सच में गगनचुंबी पोल पर इतनी अधिक ऊंचाई तक पहुंच चुका था। पिछले 1000 सालों में कितने ही योद्धा इस गगनचुंबी पोल पर चढ़ने के प्रयास में असफल हो चुके थे, लेकिन विराज अभी तक डटा था। इसी से विराज की अद्भुत शक्ति का पता चल रहा था। हालांकि बाहरी दुनिया के सामने ये दृश्य कलिंजर अंपायर की जीत थी, लेकिन वो सभी विराज को देखकर इस तरह स्तब्ध थे कि जश्न मनाने की चेतना उनमें बची ही नहीं थी। उन सभी युवाओं से दूर बादलों के पार गगनचुंबी पोल पर चढ़ रहे विराज के पास उन सभी युवाओं के बारे में सोचने का अवकाश नहीं था। खून से लथपथ उसका हाथ गगनचुंबी पोल के अंतिम शिरे के ऊपर जाकर रखा गया। धीरे धीरे करके विराज गगनचुंबी पोल के ऊपर बने कमल के फूल के ऊपर जाकर पद्मासन लगाकर बैठ गया। ये नजारा देखकर नीचे खड़े सभी योद्धाओं के हाथ अपने आप विराज के सम्मान में जुड़ गए। उन्हें मालूम तक नहीं चला था।
विराज के ऊपर अपार मात्रा में पृथ्वी और बादलों से मिली शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा की बरसात होने लगी। विराज का पूरा शरीर उस शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा के शुद्ध जल की बरसात में पूरी तरह से भीगने लगा। जल्द ही वो शुद्ध चंद्रगुप्त जल विराज के शरीर के घावों से होते हुए उसके शरीर के अंदर समाने लगा। इससे उसके शरीर के घाव तेजी से ठीक होने लगे। उसके शरीर की एक एक शिरा उस शुद्ध चंद्रगुप्त जल से पुनः जीवित हो उठी। उनमें शक्ति का नया संचार होने लगा। विराज की सभी नसें, मांसपेशियां, हड्डियों में एक अलग ही जान फूकने लगी, मानो विराज के अंदर शक्ति का नया अवतार जन्म ले रहा हो। विराज ने लाख मुसीबतों को पार करके गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफलता हासिल कर ली थी। इस कारण से उसका सारा शरीर शुद्ध चंद्रगुप्त जल के अमृत से सींच रहा था। तो क्या इस अमृत जल की वर्षा से विराज के शरीर में शक्ति का नया सोता फूटने वाला था? क्या विराज की शक्ति एक नए स्तर तक पहुंचने वाली थी? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 347, विराज का नया अवतार। विराज तमाम चुनौतियों को पार करके गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर बने पत्थर के कमल फूल के ऊपर चढ़कर बैठ चुका था। उसका सारा शरीर खून से लथपथ हो चुका था। उसके मार्शल आधार में कई खामियां उभर आई थी। उसकी एक एक नस, मांसपेशी, खून की नली, कोशिकाओं में घाव उत्पन्न हो चुका था। एक तरह से विराज अपनी इच्छा शक्ति के बलबूते बैठा हुआ था। कोई साधारण योद्धा तो कब का बेहोश हो चुका होता। विराज ने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़कर पिछले 1000 सालों का रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिया था। पिछले 1000 सालों में कोई भी युवा योद्धा इस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर सफलतापूर्वक चढ़ नहीं सका था। बादलों से ऊपर विराज के कमल के फूल पर बैठते ही वहां का सारा नजारा बहुत तेजी से पलट गया। धरती की नसों से निकली महाप्रलयकारी क्रोधित ऊर्जाएं और बादलों की भयंकर बिजलियों की जगह वहां पर धरती और बादलों की तमाम शुद्ध ऊर्जाओं से बना शुद्ध चंद्रगुप्त जल बरसने लगा। उस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल के विराज के शरीर पर पड़ते ही विराज के घाव तेजी से भरना शुरू हो गए। विराज की कठोर परीक्षा लेने के बाद प्रकृति अब अपना स्नेह का खजाना विराज पर लुटाने के लिए तत्पर हो उठी थी। वो अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल विराज की एक एक कोशिका, नस, मांसपेशी, शिरा में समाने लगा। हर जगह जाकर विराज की अशुद्धियों को समाप्त करने लगा। उस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल की बरसात में विराज के शरीर के रोम रोम में जबरदस्त सुधार होना शुरू हो गया। उसकी शक्ति में तेजी से विस्तार होने लगा। उसकी त्वचा अमृत जल से सराबोर होकर एक नए जन्मे बच्चे की तरह एकदम सफेद नई हो चुकी थी। विराज की हड्डियों में जैसे ही अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल पहुंचा तो उसकी हड्डियों की शक्ति तेजी से बढ़ने लगी। उसकी हड्डियां सफेद संगमरमर की तरह सफेद हो उठी। उसकी मांसपेशियों से सुनहरे रंग की चमक मारने लगी। ये देखकर विराज ने चौंकते हुए कहा, चंद्रगुप्त संगमरमर मांसपेशियां? विराज की मांसपेशियां एक नए स्तरों पर जाकर मजबूत हो रही थी। विराज की मार्शल तकनीक करिश्माई सृजन जो अभी भी शीर्ष स्तर पर नहीं पहुंची थी वो इस अमृत समान शुद्ध चंद्रगुप्त जल और वहां मौजूद अपार ऊर्जा के प्रभाव से अगले स्तर पर जाने लगा। विराज की शक्ति में तेजी से वृद्धि होने लगी। विराज भी प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से मिल रही शक्तियों को दिल खोल कर समेटने में लग चुका था। उसी समय सिस्टम की आवाज विराज के दिमाग में गूंज उठी, डिंग, कांग्रेचुलेशंस विराज, ऊर्जा के इस महाप्रवाह में आपने अपने तलवार ऊर्जा को साधारण स्तर से उठाकर मध्यवर्ती स्तर तक ले जाने में सफलता अर्जित की है। इस सफलता के लिए आपको लकी ड्रॉ खेलने के 3 मौके में से 1 मौका जीवन दर्शन पाने का और सम्राट समस्ती की अधूरी तलवार का 1 टुकड़ा दिया जाता है। शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा के अपार प्रवाह ने विराज की एक एक नस को खोल कर रख दिया था और अब सिस्टम की आवाज सुनकर तो विराज की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसी समय विराज की आंखों के सामने तेज रोशनी से चमकती हुई एक गेंद प्रकट हो गई। विराज ने उस चमकती हुई गेंद को पकड़कर मसल दिया। उसके ऐसा करते ही एक जंग लगा सम्राट समस्ती की अधूरी तलवार का टुकड़ा विराज के हाथों में चमकने लगा। किसी को भी नहीं मालूम था कि सम्राट समस्ती की तलवार का यह टुकड़ा टूटने के बाद कहां जाकर गिरा था, लेकिन इस समय वो टुकड़ा विराज के हाथों में चमचमा रहा था। सम्राट समस्ती की अधूरी तलवार के उस टुकड़े को देखकर विराज की भांति खिल उठी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गगनचुंबी चंद्रगुप्त पुल पर चढ़ना उसके लिए अविस्मरणीय तरीके से लाभदायक होने वाला था। उसके लिए तो सौभाग्य की उस पर बारिश उठी थी। उसके शरीर का तो मानो आज पुनर्जन्म हो गया हो। दूसरी ओर जमीन पर मौजूद युवा योद्धाओं ने जब विराज के हाथों में चमकती गेंद को देखा तो उन सभी के अंदर जलन की तेज लहरें चलने लगी। हालांकि किसी भी युवा योद्धा को यह समझ नहीं आया था कि वो चमकती हुई गेंद अचानक से कहां से उत्पन्न हो गई थी।
बादलों की उस दुनिया में विराज अमृत जल की वर्षा से भीग रहा था और जमीन पर खड़े सभी योद्धा सिर्फ उस अमृत जल की कल्पना ही कर सकते थे। उन्हें वहां पहुंचकर उस अमृत जल को पाने की शक्ति और साहस नहीं था। जमीन पर मौजूद अनगिनत आंखें हसरत भरी नजरों से विराज को कमल के फूल पर बैठकर शक्ति का पुंज बनते देख रही थी। भीड़ में से ही आंखों की एक जोड़ी ने कहा, युवा मास्टर विराज तमाम बाधाओं और चुनौतियों के बावजूद गगन चुंगी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफल रहे। वो चमकती गेंद शायद इसी का एक कीमती इनाम है जो विराज को मिल रहा है। पिछले 1000 सालों में उस गगन चुंगी चंद्रगुप्त पोल पर कोई नहीं चढ़ सका था, इसीलिए किसी को नहीं मालूम था कि वहां पहुंचने पर किस तरह के इनामों की बारिश योद्धा पर होती थी। इसी कारण से विराज को सिस्टम से मिली गेंद को देखकर उन्हें लग रहा था कि विराज को वो गेंद प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने इनाम में दी थी। भीड़ में से ही एक युवा योद्धा ने कहा, पता नहीं इस इनाम में क्या मिलेगा, विराज तो पहले ही इतना ज्यादा शक्तिशाली है, इस इनाम से मिली शक्ति से तो विराज पंखों वाला चीता ही बन जाएगा। मुझे इस बात की प्रबल संभावना दिखाई दे रही है कि इस बार के चंद्रगुप्त मुकाबलों में प्रथम स्थान विराज का ही रहने वाला है। उस योद्धा के ऐसे कहने का कारण ये था क्योंकि चंद्रगुप्त मुकाबलों के सामान्य नियमों के मुताबिक केंद्र और उसके चारों ओर बने 9 चंद्रगुप्त मंडप में बने चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने वाले प्रथम स्थान पाने के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। विराज केंद्र के गगन चुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ चुका था और उसकी शक्ति और प्रतिभा भी जग जाहिर हो चुकी थी। तो उस योद्धा को समझ आ रहा था कि चंद्रगुप्त मुकाबले में विराज का पहला स्थान पर आना संभव था। 9 मंडप पोल पर चढ़ने वाले युवा तो विराज के एक प्रहार को भी झेल पाने में सक्षम नहीं नजर आ रहे थे। अयान चंद्रवंशी ने भावुक होते हुए कहा, विराज ने आज कमाल का साहस दिखाया है, उसके साहस को देखकर आज प्रकृति भी उसके साहस का सम्मान कर रही है। हम लोगों की क्षमता से तो ये लड़का अब कहीं आगे निकल चुका है। विराज को नहीं मालूम था कि उसके बारे में नीचे युवा योद्धा क्या बातें कर रहे थे। वो तो अपने हाथों में चमकते हुए सम्राट समर सिंह की तलवार के अधूरे टुकड़े को देख रहा था। उस धातु के टुकड़े पर जंग लगी हुई थी और वो टुकड़ा दिखने में धातु का एक बेहद साधारण टुकड़ा लग रहा था। कोई सामने से देखकर ये नहीं कह सकता था कि धातु के उस टुकड़े में दिव्य शक्तियां व्याप्त थी। हालांकि जमीन पर खड़े योद्धा उस धातु के टुकड़े को देखकर बिल्कुल नहीं सोच रहे थे कि वो कोई साधारण धातु का टुकड़ा था, क्योंकि उनके हिसाब से विराज को वो धातु का टुकड़ा इनाम में प्राचीन चंद्रगुप्त नगर ने दिया था, जिसमें बेमिसाल शक्तियां होना स्वाभाविक था। धातु के उस टुकड़े को देखकर विराज के शरीर से शक्तिशाली तलवार धार निकलने लगी। धातु का वो टुकड़ा मानो विराज के साथ किसी तरह का संबंध विकसित करना चाह रहा था। विराज की तलवार धार धातु के टुकड़े पर पड़ते ही धातु के टुकड़े में कंपन होने लगा और अगले ही पल धातु का वो टुकड़ा विराज की तलवार से जाकर जुड़ गया। धातु का वो टुकड़ा जैसे ही सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार से जुड़ा, उस तलवार से आंखों की चौंधिया देने वाली तेज रोशनी बाहर निकली। अगले ही पल धातु का वो टुकड़ा सम्राट समर सिंह की अधूरी तलवार के साथ पूरी तरह से जुड़ चुका था। विराज की तलवार जो असली तलवार की एक तिहाई थी, वो धातु के इस टुकड़े के जुड़ने से असली तलवार की 2/3 बन चुकी थी। तलवार के ऊपर एक चमकती हुई रोशनी गोल गोल घूम रही थी। ये नजारा देखकर विराज ने हल्की मुस्कुराहट के साथ खुद से कहा, अच्छा तो ये धातु का टुकड़ा लंबी तलवार का हिस्सा था, इससे तो मेरी तलवार अब पूरी तरह से एक तलवार की तरह दिखने लगी है। नीचे खड़े योद्धाओं ने जब धातु के उस टुकड़े को विराज की तलवार में समाते देखा तो वो समझ गए कि धातु के उस टुकड़े से विराज की तलवार में विस्मयकारी शक्तियां आ चुकी थी। ये देखकर उन्होंने राहत की सांस ली, क्योंकि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में होने वाले मुकाबलों में खुद के हथियार से लड़ने पर प्रतिबंध था। योद्धा को प्राचीन चंद्रगुप्त नगर द्वारा उपलब्ध कराए गए हथियारों से लड़ना होता था। पहले योद्धा को लग रहा था कि प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से मिले खास इनाम से विराज की शक्तियों में बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन अब उसके तलवार की शक्ति भले ही बढ़ी थी लेकिन वो उसका उपयोग मुकाबले में नहीं कर सकता था। इससे उन्हें हल्की आशा अभी भी बनी हुई थी कि शायद कोई विराज को हरा सके। विराज ने सम्राट समर सिंह की तलवार को अपनी यूनिवर्स रिंग में रखने के बाद नीचे खड़े सभी युवाओं को देखा और फिर अयान विपुल और यश के साथ आंखों ही आंखों में मौन संवाद किया और ऐसा करने के बाद आंखें बंद करके साधना में चला गया। विराज को उस गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल की सबसे ज्यादा शक्तिशाली खासियत के बारे में मालूम था। प्राचीन जैसलमेर भूमि की नसों में बंद अपार चंद्रगुप्त ऊर्जा खींचते हुए प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में समा रही थी। चंद्रगुप्त पोल वो केंद्र था जहां पर प्राचीन जैसलमेर भूमि की नसों में बंद संपूर्ण ऊर्जा आकर नीचे गिर रही थी और वहीं से चारों ओर पूरे नगर में फैल रही थी।
इसका मतलब यह था कि इस समय विराज के शरीर से पूरे प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार चंद्रगुप्त ऊर्जा होकर बह रही थी। एक तरह से चंद्रगुप्त ऊर्जा का समंदर उस गगनचुंबी पोल के उस कमल के फूल पर आकर मिल रहा था, जिससे उस जगह पर साधना करने पर मिलने वाला परिणाम सामान्य परिणामों की तुलना में कई हजार गुना ज्यादा प्रभावी था। जल्द ही विराज अपनी मास्टर शक्ति को बढ़ाने लगा। भयंकर ऊर्जा के साये तले उसकी शक्ति तेजी से बढ़ते जा रही थी। ध्यान की अवस्था में जाते ही उसका दिमाग किसी सुपर कंप्यूटर की तरह कार्य करने लगा। बड़ी मात्रा में शुद्ध चंद्रगुप्त ऊर्जा उसके शरीर में समाते जा रही थी, उसकी रगों में वो ऊर्जा समाती जा रही थी। विराज की शक्ति तेजी से बढ़ते जा रही थी। सिर्फ 2 घंटे साधना की अवस्था में बैठे रहने के बाद ही वो फर्स्ट ग्रेड से बढ़कर एक सेकंड ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा बन गया। ये देखकर विराज को लग रहा था कि अगर वो इतनी ही तेजी से अपनी मार्शल स्तरों को बढ़ाता रहा तो चंद्रगुप्त मुकाबलों के शुरू होने से पहले ही मार्शल राजा योद्धा तक भी पहुंच सकता था। विराज को साधना की अवस्था में जाता देखने के बाद सभी योद्धा भी अपने अपने अखाड़ों में बैठकर साधना कर रहे थे। बीच बीच में कुछ योद्धा सिर उठाकर विराज को देख रहे थे। जब उन्होंने विराज का बढ़ा मार्शल स्तर देखा तो वो सभी दंग रह गए। कुछ समय के लिए जमीन पर सभी योद्धाओं के बीच घोर सन्नाटा फैल गया। इसके बाद सभी योद्धा लाचार नजरें लिए वापस से अपनी साधना में लग गए। विराज भी वापस से अपनी साधना में लग चुका था। अयान, विपुल और यश भी वापस से 9 मंडप चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठकर साधना की गहन अवस्था में जा चुके थे और तेजी से अपनी शक्ति बढ़ाने में लगे थे। विराज ऊर्जा की अपार राशि के केंद्र में बैठा बहुत तेज गति से अपनी शक्ति बढ़ाता जा रहा था। तो आखिर विराज शक्ति के किस स्तर तक पहुंचने वाला था? चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज का सामना आखिर किन योद्धाओं के साथ होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 348 प्रस्ताव। 2 दिन बाद गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर बैठे हुए विराज ने धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोली। उसके शरीर से निकलने वाली आभा 5th ग्रेड मार्शल सम्राट स्तर योद्धा तक जा चुकी थी। इन 2 दिनों में कितने ही स्वर्ग के गर्व योद्धा प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में दाखिल हुए थे। जैसे ही उन्हें विराज के बारे में सूचना मिली वो सभी तेजी से गगनचुंबी पोल के नजदीक भागे और विराज के दिव्य स्वरूप को देखकर आश्चर्यचकित होने लगे। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में मौजूद आधों से ज्यादा चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में उपता सूरज समुदाय के युवाओं ने सफलता हासिल की थी। अन्य समुदाय के युवा योद्धा तो 1/4 चंद्रगुप्त पोल पर भी नहीं चढ़ सके थे। इस तरह से उगता सूरज समुदाय वहां सबसे आगे चल रहा था। साधना की अवस्था से बाहर आने के बाद विराज ने अचंभित होते हुए खुद से ही कहा, मुझे मालूम नहीं था कि गगनचुंबी पोल न सिर्फ मार्शल क्षमता बढ़ाने में मददगार है अभी तो ये शरीर की खामियों को दूर करके बेहतर बनाता है और साथ ही तलवार सार को ज्यादा शुद्ध और शक्तिशाली भी बनाता है। विराज को अच्छे से मालूम था कि तलवार सार को शुद्ध करना कितना दुरूह कार्य था। विराज का तलवार शरीर मध्यवर्ती स्तर तक पहुंच चुका था। विराज को जब सिस्टम से तलवार शरीर मिला था तो उसे नहीं लगा था कि वो इतनी जल्दी साधारण स्तर से मध्यवर्ती स्तर तक भी पहुंच जाएगा। तलवार शरीर के मध्यवर्ती स्तर पर पहुंचने की वजह से उसके तलवार सार की शुद्धता बहुत ही ऊंचे स्तर तक पहुंच चुकी थी। अगर विराज ने अपनी सभी मार्शल तकनीकों को मिलाकर करिश्मा सिद्धन में न बदला होता तो इतनी शुद्ध तलवार सार को इस समय हासिल नहीं कर पाता। अपने शरीर से निकल रही तलवार सार को महसूस कर विराज को समझ आ रहा था कि मात्र 2 दिनों की साधना से उसकी तलवार सार एक अलग ही स्तर पर पहुंच चुकी थी। उसने अपना मुंह खोल दिया। उससे बड़ी मात्रा में प्रदूषित गैसें उसके शरीर से बाहर निकलने लगी। अपनी शक्ति को एक अलग ही स्तर पर बढ़ाकर विराज गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल से नीचे उतर आया। विराज के नीचे उतरते ही वहां मौजूद सभी योद्धा अपनी साधना को छोड़कर तेजी से विराज के चारों ओर इकट्ठा हो गए। सभी योद्धा हैरत भरी नजरों से विराज को देखे जा रहे थे। बाहरी दुनिया के लोग जो कलिंजर अंपायर को कचरे का मैदान समझते थे उनकी सोच में आमूल चूल परिवर्तन आया था और वो समझ चुके थे कि कलिंजर अंपायर में भी एक से बढ़कर एक योद्धा पैदा हो रहे थे। एक समय बाहरी दुनिया से आए कई शक्तिशाली परिवारों के योद्धा विराज को अपने परिवार में शामिल कराने के लिए दिलचस्पी लेने लगे थे। विराज को युवाओं ने चारों ओर से घेर लिया था। भीड़ में से ही एक युवा योद्धा ने विराज से कहा, अरे युवा मास्टर विराज, मैं ब्रिजदंत ब्लेड समुदाय का जीनियस हूँ। हमारे ब्रिजदंत ब्लेड समुदाय के पास एक पवित्र राजा है। अगर युवा मास्टर विराज हमारे समुदाय से जुड़ते हैं तो उन्हें हमारे पवित्र राजा से सीधे सीखने का अवसर हासिल हो सकेगा। साथ ही हमारे समुदाय के एक रत्न के रूप में आपको सम्मानित किया जाएगा। उसी समय भीड़ में से ही तेज आवाज में एक युवा ने कहा, अरे पागलों वाली बातें मत करो ब्रिजदंत ब्लेड समुदाय, युवा मास्टर विराज ये तो एक बहुत ही छोटा सा समुदाय है।
इनके पास तो कोई संत अधिपति स्तर का योद्धा भी नहीं है। वहाँ सिवाय धोखे के तुम्हें कुछ नहीं और हासिल होगा। वो जगह तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए नहीं बनी। अगर युवा मास्टर हमारे समुदाय टूटी आत्मा के घर में शामिल होते हैं तो मैं ये वादा करता हूँ कि एक संत अधिपति स्तर का योद्धा आपको निजी रूप से शिक्षा देने के लिए उपलब्ध रहेगा। ये सुनकर भीड़ में से ही एक युवा चिल्लाया, लेकिन ड्यूटी आत्मा का घर समुदाय का प्रस्ताव तो वेस्टर्न ब्लेड समुदाय से भी कहीं अधिक लुभावना है। अयान और बाकी लोगों ने जब ये प्रस्ताव सुना तो वो सभी मन ही मन हंसने लगे। अयान, विपुल और यश को मालूम था कि विराज के पास अपना खुद का एक संत अधिपति दत्तकार जानवर था, तो उसके कहने पर उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। चीता दानव ड्रैगन एक विशेष प्रकार का दैत्यकार जानवर था जिसकी शक्ति सामान्य संत अधिपति योद्धा की तुलना में कहीं ज्यादा थी। भले ही टूटी आत्मा घर समुदाय का प्रस्ताव लुभावना था, लेकिन इतना लुभावना नहीं था कि विराज को प्रभावित कर सके। विराज के संत अधिपति राजमल प्रथम के साथ अच्छे संबंध थे। संत अधिपति या उससे ऊपर के स्तर के तलवार पूर्वज का वो उत्तराधिकारी था। इसके साथ ही अग्नि देवी वैदेही के साथ भी उसका परिचय था, इसीलिए उसे इन प्रस्तावों की जरूरत नहीं थी। आयान ने कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि संत अधिपति योद्धा कलिंजर अंपायर के लिए बड़ी बात है? अरे विराज के पास तो संत अधिपति स्तर का एक पालतू दर्द का जानवर है। अब तुम बताओ कि ये टूटी आत्मा का घर समुदाय क्या बला है? अयान की बात सुनकर बाहरी दुनिया के सभी युवाओं का मुंह खुला का खुला रह गया। उनके हिसाब से तो कलिंजर अंपायर में जीवन रस अमृत स्तर से ऊपर के योद्धा नहीं होते थे, पर यहाँ अयान कह रहा था कि विराज के पास एक पालतू जानवर था, वो भी संत अधिपति स्तर का। वो सभी ये सोचने लगे कि ये कैसे मुमकिन था कि एक मार्शल सम्राट योद्धा के पास संत अधिपति स्तर का पालतू जानवर हो। खैर, विराज की प्रतिभा को देखने के बाद वो ये सोचने को मजबूर हो चुके थे कि विराज के मामले में कुछ भी संभव हो सकता था। उसी समय एक युवा योद्धा की बेहद शांत आवाज आई, ऐसी बात है तो मेरी अमृत घाटी में चरम संत अधिपति स्तर के योद्धाओं का पूरा समूह है। अगर विराज अमृत घाटी की सदस्यता स्वीकार करते हैं तो उन्हें चरम संत अधिपति योद्धाओं के समूह का निजी प्रशिक्षण हासिल हो सकेगा। इसके साथ ही विराज के रहने के लिए एक विशेष महल की भी व्यवस्था की जाएगी, जहां पर कैप्लर यूनिवर्स की सबसे सुंदर सेविकाएं हर समय विराज की हर तरह की सेवा के लिए प्रस्तुत रहेगी। अमृत घाटी के उस युवा की बात सुनकर वहां मौजूद सभी युवा योद्धा चौंक उठे और कानाफूसी का दौर शुरू हो चुका। एक योद्धा ने अपने पास खड़े दूसरे योद्धा से कहा, मतलब अमृत घाटी के योद्धा भी इस बार चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा ले रहे हैं? परंतु किसी दूसरे समुदाय का चंद्रगुप्त मुकाबलों में कुछ बड़ा हासिल करने का अवसर ही नहीं है। भीड़ में ही एक योद्धा ने अपने साथ खड़े कई योद्धाओं से कहा, यह अमृत घाटी समुदाय भले ही केवल दक्षिण क्षेत्र पर ही अपना प्रभाव रखता हो, लेकिन शक्ति के मामले में यह रहस्यवादी दुनिया महल से ज्यादा शक्तिशाली है। अमृत घाटी के योद्धाओं के सामने तो कोई नहीं टिक पाता। भीड़ में ही एक योद्धा ने कहा, बताओ क्या जमाना आ गया है, मतलब अब अपने समुदाय की सदस्यता दिलाने के लिए लोग खूबसूरत सेविकाओं का इस्तेमाल करने लगे। वैसे मैंने सुना है कि अमृत घाटी की सेविकाओं की त्वचा का रंग दूध की तरह एकदम सफेद होता है। ऐसी सेविकाओं की सेवा पाकर तो इंसान सच में धन्य हो जाए। ये सुनकर दूसरे योद्धा ने कहा, सही कहा, विराज की जगह मैं होता तो तुरंत अमृत घाटी के प्रस्ताव को मान लेता। संत अधिपति योद्धाओं के समूह का निजी प्रशिक्षण और अमृत सेविकाओं के कोमल स्पर्श का आनंद, सोचकर ही जन्नत का मजा आ गया। ये सुनकर आसपास खड़े युवा हंसने लगे। भीड़ में खड़े सभी योद्धाओं के इस कानाफूसी से वहां पर जोरदार शोर उठ खड़ा हुआ। हर कोई विराज को मिले प्रस्तावों पर अपनी अपनी व्याख्याएं करने में व्यस्त था। अमृत घाटी के उस युवा ने जब भीड़ में हो रही खुसर पुसर को सुना तो गर्व से उसका सीना फूलकर कई गुना हो गया। हालांकि वो अमृत घाटी का शीर्ष स्तर का युवा योद्धा नहीं था, लेकिन अगर वो किसी और समुदाय में होता तो उस समुदाय का शीर्ष स्तर का योद्धा अवश्य होता। उसकी चंद्रगुप्त मुकाबलों के लिए आने की खबर ने उसके परिवार के प्रमुखों के सामने उसकी किरकिरी करा दी थी। सभी प्रमुख लोगों को उसका यह कदम मूर्खतापूर्ण लगा था। हालांकि अगर वो विराज को साथ लेकर लौटता तो रातों रात अपने परिवार के प्रमुखों की नजर में चढ़ जाता और अपनी खोई हुई इज्जत को कई गुना ब्याज के साथ वापस हासिल कर लेता। उस युवा के हिसाब से उसने विराज को इतना मनमोहक प्रस्ताव दिया था कि विराज चाहकर भी उस प्रस्ताव को नहीं झुकला सकता था।
इस प्रस्ताव में एक योद्धा की सभी जरूरतों को वो पूरा कर रहा था। अगर खुद वो विराज की जगह होता और उसे ये प्रस्ताव मिलता तो वो किसी भी हाल में इस प्रस्ताव को ठुकराता नहीं। सभी को मालूम था कि टूटी आत्मा का घर समुदाय की शक्ति का पूरे दक्षिण क्षेत्र में दबदबा था। केवल इस समुदाय का सदस्य होने मात्र से ही कैप्टन यूनिवर्स की सभी शक्तियों में इंसान सम्मानीय हो जाता था। बड़ी संख्या में स्वर्ग के गर्व योद्धा इस समुदाय के सदस्य बनने का ख्वाब सजाते थे, लेकिन सफल नहीं हो पाते थे। ऐसे में विराज को सामने से खुद अमृत घाटी के एक सदस्य ने यह प्रस्ताव दिया था। ऐसे में एक जंगली राज्य से आने वाला एक युवक इस प्रस्ताव को किसी भी हाल में नहीं ठुकरा सकता था। विराज को लंबे समय तक शांत खड़ा देखकर अमृत घाटी के इस युवा ने कहा, विराज सोच क्या रहे हो? भाग्य कभी कभी मेहरबान होता है और जब होता है तो विनम्रता के साथ स्वीकार करना ही सर्वोत्तम होता है। हमारे संत अधिपति योद्धाओं के समूह की निजी देखरेख में तुम जल्द ही एक संत अधिपति योद्धा बन जाओगे। साथ ही हमारी सेविकाएं थके बदन पर शानदार दूध मलाई मालिश देने में पूरे कैप्लर यूनिवर्स में ख्याति प्राप्त है। शक्ति और आनंद का अद्भुत अवसर तुम्हारे सामने खड़ा है। अमृत घाटी के उस युवा योद्धा की बात सुनकर भीड़ में खड़े सभी युवा विराज का निर्णय जानने के लिए सांसें थाम कर एकटक नजरों से उसे देखने लगे। अमृत घाटी मानव प्रजाति के दक्षिण हिस्से की सबसे शक्तिशाली प्रजाति थी, लेकिन वो सभी ये नहीं जानते थे कि विराज की बड़ी बहन मानव प्रजाति के सबसे शक्तिशाली संस्थान आकाश गंगा एकेडमी की शिष्या बन चुकी थी और विराज की प्रतिभा तो इनाया से भी कई ऊपर थी। ऐसे में विराज के लिए अमृत घाटी कोई खास दिलचस्पी की जगह नहीं बची थी। इसके साथ ही उस युवा योद्धा को लेकर विराज के मन में कुछ अच्छे भाव नहीं उठे थे। वो युवा योद्धा जिस तरह से विराज को सेविकाओं का लालच दिखा रहा था, उससे कहीं ना कहीं विराज के मन में उस युवा के लिए थोड़ा आक्रोश उभर आया था, क्योंकि विराज ऐसी चीजों पर बिकने के लिए नहीं बना था। वो तलवार पूर्वज का वारिस था। आकाशगंगा एकेडमी के कई योद्धाओं द्वारा उसे महत्व दिया गया था। इसके साथ ही आकाशगंगा एकेडमी का स्थान अमृत घाटी से कहीं ऊपर था। इतना सब कहने के बाद भी जब अमृत घाटी के युवा ने विराज को शांत खड़ा पाया तो उसे समझ नहीं आया कि विराज के दिमाग में क्या चल रहा था। उसने विराज की ओर देखकर उससे कहा, मित्र विराज, आखिर तुम इतना क्या सोच रहे हो? भाग्य तुम्हारे सामने खड़ा, तुम्हारे द्वार खटखटा रहा है, इसे पहचानो। हालांकि अमृत घाटी का युवा विराज की इस चुप्पी से अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठा था, लेकिन विराज जैसी प्रतिभा के सामने वो अपना आपा नहीं खोना चाहता था। वो किसी भी हाल में विराज को अपने साथ अपने परिवार लेकर जाना चाहता था। क्या विराज अमृत घाटी के सदस्य के प्रस्ताव को स्वीकार करेगा या नहीं? चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज के सामने वहां मौजूद योद्धाओं में से कौन लड़ने आने वाला था और क्या वो विराज को चुनौती दे पाने में कामयाब रहने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 349, विराज का फैसला। विराज ने गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर चढ़ने में सफलता अर्जित कर ली थी। पिछले 1000 सालों में ऐसा कारनामा करने वाला विराज पहला युवा योद्धा था। विराज को गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल के ऊपर बन कमल के फूल में साधना करते हुए देखकर बाहरी दुनिया के शक्तिशाली परिवारों के स्वर्ग के गर्व युवा योद्धा के मन में विराज को अपने परिवार का सदस्य बनाने की हसरतें बदलने लगी थी। विराज के गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल से नीचे उतरते ही बाहरी दुनिया के कई युवा योद्धाओं ने विराज को उनके परिवार का सदस्य बनने के लिए एक से बढ़कर एक प्रस्ताव देने शुरू कर दिए। उन सभी प्रस्तावों में सबसे ज्यादा शानदार प्रस्ताव अमृत घाटी के युवा का था, जिसने संत अधिपति योद्धाओं के पूरे समूह से विराज के निजी प्रशिक्षण देने का वादा किया था। साथ ही स्वर्ग की अप्सराओं के समान सुंदर सेविकाओं से सुसज्जित एक महल में निवास देने का भी वादा किया था। अमृत घाटी के उस युवा का प्रस्ताव सुनकर बाकी सभी युवा योद्धा पीछे हट चुके थे, क्योंकि अमृत घाटी मानव प्रजाति के दक्षिण हिस्से का एक बहुत ही शक्तिशाली परिवार था। अमृत घाटी के युवा को पूरा यकीन था कि विराज इस प्रस्ताव को सुनते ही अपनी स्वीकृति दे देगा, लेकिन लंबा समय गुजर जाने के बाद भी विराज की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उसे क्रोध आने लगा था। हालांकि उस नाजुक मौके पर वो क्रोध की वजह से विराज जैसी प्रतिभा को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था। एक बार विराज अमृत घाटी का सदस्य बन जाता तो उस युवा को विराज पर आया अपना क्रोध निकालने के लिए कई मौके मिल जाते। इसीलिए क्रोधित होने के बावजूद वो युवा शांत खड़ा विराज के जवाब की प्रतीक्षा में था। विराज जो कि तलवार पूर्वज का वारिस था और अग्निदेवी वैदेही द्वारा बराबरी के दर्जे पर रखा गया था, उसके लिए अमृत घाटी कोई खास आकर्षण की जगह नहीं थी,
हालांकि विराज को समझ नहीं आ रहा था कि उस युवा के इस प्रस्ताव को किस तरह से मना करें। उसी समय विराज के शरीर से भयंकर तलवार ऊर्जा निकलने लगी। उस तलवार ऊर्जा से तेज रोशनी निकलने लगी। ये देखकर आसपास खड़े सभी युवा सदमे में आ गए। उसी समय एक चमकता हुआ हीरे के आकार का क्रिस्टल विराज के दिल से बाहर निकलकर हवा में मंडराने लगा। वो क्रिस्टल पानी की तरह एकदम पारदर्शी था। सूरज की रोशनी में उससे 5 रंगों की रोशनी निकल रही थी। वो क्रिस्टल दिखने में भले ही बहुत ही अधिक सुंदर था, लेकिन उससे विकराल तलवार धार निकल रही थी जो वहां चारों ओर फैल चुकी थी। उस तलवार धार की ऊर्जा का बहुत ही भारी दबाव वहां खड़े सभी युवा योद्धाओं पर पड़ रहा था, जिससे सभी युवा योद्धाओं की सांसें उनकी हलक में ही अटक कर रह गई थी। उस बर्फ की तरह एकदम सफेद और चमकदार क्रिस्टल को देखकर उन सभी को ऐसा महसूस हो रहा था कि वो क्रिस्टल किसी भी क्षण उनका गला काटकर उनके प्राण पखेरु उड़ा सकता था। जिस समय सभी युवा योद्धा हतप्रभ होकर उस क्रिस्टल को देखे जा रहे थे, उसी समय अमृत घाटी के युवा ने चौंकते हुए कहा, तलवार पूर्वज की तलवार मणि। अमृत घाटी का युवा तलवार पूर्वज और उनकी विरासतों से वाकिफ था, इसी कारण से उसे तलवार मणि के बारे में पता था। लेकिन तलवार मणि जैसी चीज का विराज के अंदर से निकलना उस युवा के लिए सोच से परे की एक घटना थी। तलवार पूर्वज कैप्टन यूनिवर्स के सबसे महान योद्धाओं में से एक थे। यहाँ तक कि अमृत घाटी के शीर्ष के योद्धाओं की तुलना भी तलवार पूर्वज के साथ नहीं की जा सकती थी। तलवार मणि का विराज के पास होने का मतलब था कि तलवार पूर्वज ने विराज को अपना वारिस चुना था। अगर ऐसा था तो उस युवा को यह भी मालूम था कि तलवार पूर्वज का खुद का तलवार समुदाय था। इस लिहाज से विराज आगे चलकर तलवार समुदाय का ही हिस्सा बनने वाला था। ये बात उस तलवार मणि को देखकर अमृत घाटी का युवा समझ चुका था। वैसे भी तलवार समुदाय का दर्जा अमृत घाटी से कहीं ऊंचा था। तलवार समुदाय के सामान्य सदस्य भी अमृत घाटी के शीर्ष के योद्धा कहलाए जाते। ये देखकर अमृत घाटी के युवा योद्धा का गुस्सा पूरी तरह से शांत हो चुका था। उसने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, मुझे मालूम नहीं था कि इस युवा योद्धा को मैं अमृत घाटी का सदस्य बनाना चाहता हूँ। वो तो पहले ही तलवार पूर्वज द्वारा चुना जा चुका है। मैं अपने प्रस्ताव के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, कृपया तुम इसे अपने दिल से न लगाना। अमृत घाटी के युवा योद्धा को समझ आ रहा था कि विराज की पृष्ठभूमि तो शक्तिशाली तलवार समुदाय के साथ थी। ऐसे में वो विराज को नाराज नहीं करना चाहता। उसके परिवार के लोग पहले ही चंद्रगुप्त मुकाबलों में हिस्सा लेने की वजह से उससे नाराज थे। ऐसे में अगर उन्हें ये मालूम चल जाता कि उसने तलवार पूर्वज के वारिस को नाराज कर दिया था, तो उसके परिवार के लोग उसे लंबे समय तक कैद में डाल देते। तलवार मणि को देखते ही जिस तरह से अमृत घाटी के युवा के तेवर बदल गए थे, उससे विराज हैरान हो गया था। उसने शांत स्वर में कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें मालूम नहीं था, इसीलिए तुम्हारा कोई कसूर नहीं। अमृत घाटी के युवा से विराज को कोई खास परेशानी नहीं थी। हालांकि वो युवा विराज को थोड़ा अहंकार दिखा रहा था, लेकिन विराज ये भी समझ रहा था कि वो युवा जितनी शालीनता से हो सकता था उतनी शालीनता से बात करने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन विराज ने उसकी बातों का बुरा नहीं माना। विराज की बात सुनकर और अपनी आंखों के सामने तलवार मणि को देखकर अमृत घाटी का युवा ये तो समझ चुका था कि विराज को अमृत घाटी का सदस्य बनाना संभव नहीं था, लेकिन उसने अभी भी पूरी तरह से हार नहीं मानी थी। वो सोचने लगा, ठीक है, भले ही मैं विराज को अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सकता, लेकिन इससे मित्रता तो कर ही सकता हूँ। विराज को अपने परिवार में एक मित्र की हैसियत से लेकर जाने पर भी मेरे परिवार में मेरा पद ऊंचा ही होगा। मानव प्रजाति के लगभग सभी परिवार तलवार समुदाय के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध स्थापित करने में सदा ही दिलचस्पी लेते थे। इसका कारण ये था कि तलवार समुदाय का सदस्य कोई असाधारण प्रतिभा का इंसान ही बन सकता था। ऐसे में असाधारण प्रतिभावान योद्धा के साथ मित्रता के कई लाभ होते थे। अमृत घाटी के युवा ने विराज की ओर देखकर कहा, विराज, मेरा नाम नीरज सुखाद है। अगर कभी भी अमृत घाटी घूमने का मन हो तो मुझे सूचित कर देना। हमारे यहाँ बेहद शानदार फल उगते हैं। सच कहूं तो फलों का असली स्वाद कभी लेने का मन हो तो अमृत घाटी आ जाना। ऐसे ही हमारे राज्य को अमृत घाटी नहीं कहा जाता। नीरज सुखाद की बात सुनकर विराज को समझ आ रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा था। नीरज सुखाद जब उसे अपने परिवार का सदस्य नहीं बना सका तो उससे मित्रता करके उसके साथ अच्छे संबंध विकसित करना चाहता था। विराज को मालूम था कि मानव प्रजाति के अंदर तलवार समुदाय का क्या दर्जा था।
तलवार समुदाय के किसी सदस्य के साथ मित्रता भी बड़ी उपलब्धि ही मानी जाती थी। अमृत घाटी भी मानव प्रजाति के दक्षिणी हिस्से की एक प्रभावशाली समुदाय था। ऐसे में विराज के लिए भी ये अच्छा ही था कि उसके संबंध अमृत घाटी के साथ अगर विकसित होते। शुरू में तो उसे नीरज सुखाद पर उसके अहंकार की वजह से थोड़ा गुस्सा आया था, लेकिन उसके बाद नीरज के व्यवहार में विनम्रता आने पर उसका गुस्सा शांत हो चुका था। इसीलिए वो भी नीरज सुखाद के साथ संबंध बढ़ाने में उत्सुक हो रहा था। विराज ने नीरज सुखाद की ओर देखकर कहा, अमृत घाटी के रसीले फलों के बारे में तो मैंने भी काफी सुना है, कभी मौका लगा तो अवश्य आऊंगा। विराज के चारों ओर मौजूद युवा योद्धाओं में से कई योद्धाओं को तलवार पूर्वज की तलवार मणि के बारे में कुछ नहीं मालूम था। वो तो विराज को गगनचुंबी पोल पर चढ़ने की वजह से उसका मूल्यांकन कर रहे थे। नीरज सुखाद जिस तरह से विराज के साथ संवाद किए जा रहा था, उससे कई युवाओं को नीरज के ऊपर जोर का गुस्सा आ रहा था। उनका मन हो रहा था कि नीरज सुखाद को वहीं पकड़कर पीट दे, लेकिन फिर उन्हें अमृत घाटी याद आ जा रही थी और उनका गुस्सा शांत हो जा रहा था। इसके साथ ही जिस तरह से अमृत घाटी का युवा विराज को सम्मान दे रहा था, उससे कई युवा ये अनुमान लगा रहे थे कि विराज किसी शक्तिशाली पृष्ठभूमि का युवा था, नहीं तो अमृत घाटी का सदस्य उसे इतना ज्यादा सम्मान नहीं देने वाला था, या कहो अमृत घाटी का नीरज सुखाद अपने से ज्यादा सम्मान विराज को दे रहा था। विराज ने अमृत घाटी के नीरज सुखाद से कहा, देखते हैं कि मित्र नीरज सुखाद मुझे पराजित कर पाते हैं या फिर मैं नीरज सुखाद को पराजित कर पाता हूँ। ये सुनकर नीरज सुखाद ने हंसते हुए कहा, जीत हार मुकाबले में हो, लेकिन रिश्तों में सिर्फ जीत ही जीत हो तो उस जीत का सुख ही अलग है। मुकाबले का परिणाम मायने नहीं रखता। तुमने मुझे मित्र कहकर संबोधित किया, वही मेरे लिए असली जीत है। वैसे मुझे नहीं लगता कि मित्र विराज की शक्ति के सामने मेरा विजयी हो पाना मुमकिन है। हालांकि मुझे कुछ छोटी मोटी तकनीकें आती है, लेकिन तुम्हारा सामना करने लायक नहीं है वो। नीरज सुखाद अभी तक अपना संपूर्ण अहंकार घुला चुका था, उल्टा अब तो उसके समाज में मीठा शहद घुल चुका था। विराज भी नीरज सुखाद के साथ संबंध बनाने में उत्सुक था, इसलिए वो भी कुछ ऐसा नहीं कहना चाहता था जिससे नीरज सुखाद को बुरा लगे। वैसे भी नीरज सुखाद का ध्यान अब चंद्रगुप्त मुकाबलों से ज्यादा विराज से दोस्ती करने में लग चुका था। चंद्रगुप्त मुकाबलों में तो उसने ऐसे ही हिस्सा ले लिया था, लेकिन सौभाग्य ने उसके द्वार पर दस्तक देकर उसका सामना विराज जैसे प्रतिभा से करवा दिया था, जिसे वो किसी भी हाल में अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहता था। विराज ने मुस्कुराते हुए कहा, चंद्रगुप्त मुकाबलों में मैं पहली बार हिस्सा ले रहा हूँ, इसीलिए यहाँ घटने वाली घटनाओं से परिचित नहीं हूँ। मैं नहीं जानता कि चंद्रगुप्त मुकाबले के दौरान प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में क्या हालात पैदा हो जाते हैं, इसीलिए जीत हार की बात न करना ही बेहतर है। विराज की बात पर नीरज सुखाद ने कहा, चंद्रगुप्त मुकाबले कल से शुरू होंगे। ये सुनकर विराज ने अयान, विपुल और यश की ओर देखकर कहा, सीनियर अयान, विपुल और यश, मैं प्राचीन अग्निदेवी नगर जा रहा हूँ। वहां जाकर मैं उस नगर को देखना और जानना चाहता हूँ। मैं कल सुबह तक लौट आऊंगा, तब तक आप यहाँ रहकर अपनी साधना को जारी रखें। दोनों नगरों में कोई भी आ जा सकता था, लिंग के आधार पर किसी तरह का निषेध नहीं था, लेकिन मुकाबले के वक्त प्राचीन चंद्रगुप्त मुकाबलों में केवल युवक ही हिस्सा ले सकता था, वही अग्निदेवी मुकाबले में युवती ही हिस्सा ले सकती थी। विराज की बात सुनकर यश ने हल्की चुटकी लेते हुए कहा, प्राचीन अग्निदेवी नगर में विराज अकेले ही जाना चाहता है, वहां पर बाहरी दुनिया की एक से बढ़कर एक कातिल हसीनाएं भी आई हुई होंगी। यश को मालूम था कि विराज वहां क्यों जा रहा था। वो खुद जब पहली बार प्राचीन चंद्रगुप्त नगर आया था तो मुकाबला खत्म होने के बाद प्राचीन अग्निदेवी नगर घूमने गया था। उसे प्राचीन अग्निदेवी नगर को जानने की गहरी उत्कंठा हुई थी, जो इस समय विराज को हो रही थी। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर में जाने वाला था, तो आखिर कैसा था प्राचीन अग्निदेवी नगर? क्या वहां पर विराज किसी शक्तिशाली हसीना योद्धा से टकराने वाला था? चंद्रगुप्त मुकाबलों में विराज का सामना किससे होने वाला था? जानने के लिए सुनते रहिए सेल्फ मेड शक्तिमान, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। सेल्फ मेड शक्तिमान एपिसोड 350, विराज अग्निदेवी नगर में। विराज गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर साधना करके फिफ्थ ग्रेड मार्शल सम्राट योद्धा बन चुका था। विराज की महान प्रतिभा को देखकर बाहरी दुनिया के कई शक्तिशाली परिवारों के युवाओं ने विराज को उनके परिवार में शामिल होने के लिए एक से बढ़कर एक लुभावने प्रस्ताव दिए।
बाद में जब तलवार बनी विराज के सीने से निकलकर बाहर प्रकट हुई, तब जाकर सभी युवाओं ने विराज को प्रस्ताव देना बंद किया। विराज के लिए प्राचीन जैसलमेर भूमि, प्राचीन चंद्रगुप्त नगर और प्राचीन अग्निदेवी नगर कौतूहल के विषय थे। विराज ने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर को तो देख लिया था, लेकिन प्राचीन अग्निदेवी नगर को नहीं देखा था। इसीलिए उसके मन में प्राचीन अग्निदेवी नगर को देखने की उत्कंठा जोर मार रही थी। प्राचीन अग्निदेवी नगर प्राचीन चंद्रगुप्त नगर से काफी अलग था। इसके अंदर भी काफी गहरे राज दफन थे। विशेषकर प्राचीन अग्निदेवी नगर के नीचे अनगिनत रहस्यमय रचनाकार प्रतिरूप विकसित थे। विराज ने प्राचीन चंद्रगुप्त नगर के नीचे के कई रहस्यमय रचनाकार प्रतिरूपों को समझा था, और अब वो प्राचीन अग्निदेवी नगर के नीचे बने रचनाकार प्रतिरूपों को समझना चाह रहा था। विराज के अकेले प्राचीन अग्निदेवी नगर जाने की बात सुनकर विपुल, अयान और यश के चेहरों पर शरारती मुस्कान उठ रही थी। वो सभी जानते थे कि अग्निदेवी मुकाबलों में हिस्सा लेने के लिए कलिंजर अंपायर के साथ साथ बाहरी दुनिया के शक्तिशाली परिवारों की न जाने कितनी ही शक्तिशाली हसीनाएं आने वाली थी। कलिंजर अंपायर के युवाओं के लिए बाहरी दुनिया की कातिलाना हसीनाओं से मिलने का ये एक शानदार मौका होता था। हालांकि शक्तिशाली परिवारों की ये राजकुमारियां कलिंजर अंपायर के युवकों को कोई खास भाव नहीं देती थी। अयान, विपुल और यश वो तीनों ही पिछली बार प्राचीन अग्निदेवी नगर गए थे, लेकिन बाहरी दुनिया की किसी भी राजकुमारी ने उनसे संबंध बढ़ाने में इच्छा प्रदर्शित नहीं की थी, क्योंकि शक्ति के मामले में वो तीनों काफी पीछे थे। उन तीनों की शरारती मुस्कान देखकर विराज समझ रहा था कि उन तीनों के मन में क्या शरारती खिचड़ी पक रही थी। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर वहां आई शक्तिशाली परिवारों की राजकुमारियों से मिलने के लिए नहीं जाना चाह रहा था। इसके उलट वो जब से प्राचीन चंद्रगुप्त नगर आया था, उसे समझ आया था कि यहाँ पर जमीन के नीचे बहुत ही शक्तिशाली रहस्यमय रचनाकार तंत्र विकसित किए गए हैं। वो भी ऐसे रचनाकार तंत्र बनाना सीखना चाहता था। इसीलिए वो अग्निदेवी नगर के नीचे बने जटिल शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूपों के तंत्र को समझने के लिए अग्निदेवी नगर जाना चाहता था। विराज जिस समय गगनचुंबी चंद्रगुप्त पोल पर बैठकर साधना कर रहा था, उस समय उसने वहां बने चंद्रगुप्त वक्राकार रचनाकार प्रतिरूपों को आत्मसात किया था, लेकिन ये सभी प्रतिरूप आधे थे और आधे प्रतिरूप अग्निदेवी नगर के नीचे दबे थे। विराज इन प्रतिरूपों को सीखकर संपूर्ण वक्राकार रचनाकार प्रतिरूपों को सीखना चाहता था। एक बार वो सभी प्रतिरूपों को सीख जाता और उससे ये सीख जाता कि कैसे धरती की शिराओं में छिपी ऊर्जा को बाहर खींचकर उस अपार ऊर्जा को एक केंद्र तक खींचकर कैसे लाया जा सकता था, तो दिव्य मंदिर के चारों ओर इस तरह के रचनाकार प्रतिरूपों को विकसित करके दिव्य मंदिर में अपार ऊर्जा का प्रवाह करा सकता था, जिससे दिव्य मंदिर के जीर्णोद्धार में उसे काफी मदद मिल जाती। रही बात प्राचीन अग्निदेवी नगर में आने वाली बाहरी दुनिया की खूबसूरत योद्धाओं की, तो विराज का ध्यान उस ओर बिल्कुल भी नहीं था। विराज तेजी से प्राचीन अग्निदेवी नगर की ओर बढ़ गया। विराज के जाने के बाद अयान, विपुल और यश एक दूसरे से बातें करने लगे। विपुल ने मुस्कुराते हुए कहा, पता नहीं रईस और शक्तिशाली परिवार की कितनी ही अग्निदेवियां विराज के प्यार में गिर जाएंगी। वो तीनों ही जानते थे कि विराज की शक्ति का क्या स्तर था, इसीलिए उन तीनों को ही लग रहा था कि हो सकता था कि किसी शक्तिशाली परिवार की कोई अप्सरा योद्धा विराज को अपने परिवार में शामिल करने के लिए, उसे अपना जीवन साथी तक बनाने के लिए तैयार हो जाए। अयान ने मुस्कुराते हुए विपुल की बात पर प्रतिक्रिया दी, विराज इस तरह का लड़का नहीं है, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। जितना मैंने विराज को समझा है, वो इस प्राचीन भूमि के नीचे दबी महाशक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूपों को सीखने की कोशिश में प्राचीन अग्निदेवी नगर गया होगा। तुम खुद सोचो, ऊर्जा का ऐसा प्रवाह जो इन शहरों में हो रहा है, अगर दिव्य मंदिर में भी विराज करवा दे तो उससे दिव्य मंदिर का जीर्णोद्धार करने में मदद मिल सकती है। अयान की बात पर यश और विपुल ने सहमति में अपनी गर्दन हिला ली। वो तीनों ही विराज को अच्छे से जानते थे। विराज अपने कार्य के प्रति समर्पित था, उसके इतर उसे कुछ और नहीं सूझता था। उसने अमृत घाटी के इतने शानदार प्रस्ताव को शरीर पर पड़ी धूल की तरह हार के फेंक दिया था। कलिंजर संस्थान में कितने ही लड़कियां विराज पर मर मिटी थी, लेकिन विराज ने कभी पलट कर एक भी लड़की को नहीं देखा था। यश ने दोनों की ओर देखकर कहा, खैर विराज की प्रतिभा उसे एक बहुत ऊंचे मकाम पर लेकर जाएगी, चलो अपनी साधना में वापस जाते हैं। इसके बाद वो तीनों चंद्रगुप्त अखाड़े में बैठकर साधना करने लगे। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर आ चुका था। यहाँ का माहौल चंद्रगुप्त नगर की तुलना में बिल्कुल अलग था।
विराज ने देखा कि यहाँ पर काफी भीड़ थी। नगर में घुसते ही एक बहुत बड़ा बाजार बना था जहाँ पर बड़ी संख्या में युवक युवतियाँ खरीदारी कर रही थी। इसके साथ ही सामान्य आभा वाले साधारण इंसानों की भारी भीड़ वहाँ मौजूद थी। उस भीड़ को देखकर विराज को समझ आ रहा था कि कलिंजर अंपायर और बाहरी दुनिया के साधारण लोग अग्नि देवी नगर में हो रहे मुकाबलों को देखने में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे। वो सभी दर्शक थे जिनके लिए यहाँ पर एक विशालकाय बाजार लगा था। भीड़ से गुजरता हुआ विराज धीमी गति से आगे बढ़ रहा था। वहां पर बड़ी संख्या में युवा बाहरी दुनिया की खूबसूरत योद्धा हसीनाओं को देखने आए हुए थे। इसीलिए विराज को देखकर भी वहां आसपास के लोग यही सोच रहे थे कि विराज भी खूबसूरत हसीनाओं को देखने के लिए यहां आया हुआ था। उस बाजार से आगे बढ़कर विराज आगे की ओर चल पा। आगे बढ़ने पर जो उसने देखा उससे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वहां पर प्राचीन चंद्रगुप्त नगर की तरह ऊंचे ऊंचे चंद्रगुप्त पोल नहीं थे, उसके उलट वहां पर पानी के बड़े बड़े अनगिनत कुंड बने हुए थे। उन कुंडों के चारों ओर बड़ी संख्या में युवती योद्धा खड़ी थी। विराज ने देखा कि वहां पर किसी खास किस्म के रचनाकार प्रतिरूप की मदद से भूमि के नीचे से ही ऊर्जा निकलकर अग्नि देवी नगर चली आ रही थी। विराज के लिए ये अपने आप में बिल्कुल एक नया ही नजारा था। प्राचीन चंद्रगुप्त नगर में जहां प्राचीन जैसलमेर भूमि की सारी ऊर्जा हवा में होती हुई खींची चली जा रही थी, वहीं प्राचीन अग्नि देवी नगर में जैसलमेर भूमि की ऊर्जा हवा से न आकर जमीन में ही खींची जा रही थी। उस अपार ऊर्जा की शक्तियों का लाभ उठाने के लिए युवती योद्धाओं को उन कुंडों के अंदर गहरे पानी में उतरकर पानी के अंदर लंबे समय तक बैठना था। विराज ने देखा कि कई युवतियां योद्धा पानी के अंदर काफी लंबे समय से बैठी हुई थी। ये देखकर विराज को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वो युवतियां पानी के अंदर बैठकर बिना सांस लिए साधना कर पा रही थी। वहां चारों ओर बड़ी संख्या में सामान्य लोग उस मुकाबले को देखने पहुंचे हुए थे। सभी लोग उन हुस्न की परी युवती योद्धाओं को देख देख कर आश्चर्यचकित हो रहे थे। उनमें से कई युवा तो ऐसे थे जो पहली बार बाहरी दुनिया की महिला योद्धाओं को देख रहे थे। उसी समय किसी ने आकर विराज के कंधे पर हाथ रखा। विराज ने पलट कर देखा तो उसके सामने अमायरा खड़ी थी। उसके चेहरे पर शरारती मुस्कान थी। उसने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, विराज तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा तो तुम भी इन हसीनाओं का दीदार करने यहाँ आए हो? खैर कोई नहीं, शुरू शुरू में चंद्रगुप्त नगर के युवा अग्नि देवी नगर में घुस ही आते हैं। ऐसा कहकर अमायरा हंसने लगी। अमायरा की बात सुनकर विराज शर्म से पानी पानी हो गया। विराज को शर्म से पानी पानी होता देखकर अमायरा ने चुटकी लेते हुए कहा, विराज तुम्हें पानी पानी होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी यहाँ पर पहले से ही बहुत ज्यादा पानी है। अमायरा की बात सुनकर विराज ने खुद को संभालते हुए कहा, वैसे यहाँ पर तो पानी के कुंड बने हैं जबकि हमारे चंद्रलोक नगर में तो ऊंचे ऊंचे पोल बने थे। ये सुनकर अमायरा ने कहा, हाँ मुझे मालूम है, तुम्हें क्या लगा था कि प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार ऊर्जा सिर्फ हवा के जरिए इन नगरों तक आ रही थी? ऐसा नहीं है, तुम यहाँ जो देख रहे हो वो सब हूबहू चंद्रगुप्त नगर जैसा ही है। बस अंतर इतना है कि तुम लोगों को आकाश में जाना पड़ता है और हम लोगों को पाताल में। प्राचीन अग्नि देवी नगर में तो जमीन के अंदर से ऊर्जा मिलती है। तुम वहाँ सामने जो विशाल का एक कुंड देख रहे हो वो अग्नि देवी नगर का केंद्र है। वैसे ही जैसे गगनचुंबी पोल चंद्रगुप्त नगर का केंद्र था और जैसे चंद्रगुप्त नगर की सबसे ज्यादा ऊर्जा गगनचुंबी पोल के ऊपर व्याप्त है, वैसे ही अग्नि देवी नगर की सबसे ज्यादा ऊर्जा उस कुंड के अंदर गहराई में व्याप्त है। हालांकि मेरी जानकारी में तो कोई भी युवती योद्धा उस केंद्र के गहरे कुंड में उतर पाने में कामयाब नहीं हो सकी। यहाँ पर सभी युवती योद्धा अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से अपना अपना कुंड चुन लेती है और फिर उस कुंड के अंदर उतर कर वहाँ साधना की अवस्था में बैठ कर तेजी से अपनी मास्टर क्षमता में विस्तार करती है। ये सुनकर विराज को समझ आ रहा था कि अग्नि देवी नगर में ऊर्जा का प्रवाह बिल्कुल ही अलग अंदाज में बह रहा था और धरती और आकाश के जरिए प्राचीन जैसलमेर भूमि की अपार ऊर्जा को दो नगरों में भेजा जा रहा था। उसने अमायरा की ओर देखकर पूछा, लेकिन इतनी देर पानी के अंदर रहकर ये सभी युवती योद्धा सांस कैसे ले पा रही है? ये सुनकर अमायरा ने हंसते हुए कहा, कोई मुश्किल कार्य नहीं है, पानी के इन कुंडों में जो पानी तुम देख रहे हो ये कोई साधारण पानी नहीं है बल्कि पोषण और हवा से भरा पानी है। इस पानी के अंदर बैठने पर शरीर को पानी से ही हवा और पोषण मिलता है। इस पानी के अंदर कई कई दिनों तक बैठा जा सकता है। तुम लड़के हो इसीलिए तुम्हें इस कुंड में उतरने की अनुमति नहीं है,
नहीं तो तुम खुद उतरकर देखते कि इस पानी के अंदर जीवन का बिल्कुल ही अलग एहसास होता है। यह सुनकर विराज सभी बातों को बचाते हुए बोला, तो तुम किस कुंड में उतरे हो? इस पर अमायरा ने कहा, वही नौ मंडप कुंड में। जैसे चंद्रगुप्त नगर में नौ मंडप पोल थे, वैसे ही केंद्र के चारों ओर बने नौ कुंडों को यहाँ नौ मंडप कुंड कहा जाता है। केंद्र के बाद इन्हीं कुंडों में उतरना सबसे ज्यादा मुश्किल माना जाता है। बस कुछ ही देर पहले मैं अपने नौ कुंड से बाहर निकल कर आई। मुझे कुछ सामान खरीदना था, इसीलिए नगर के मुख्य द्वार पर बने बाजार की ओर जा रही थी। रास्ते में तुम दिख गए। वैसे यहाँ तुम आ ही गए हो तो अपने लिए किसी हसीना को पसंद कर सकते हो। यहाँ पर तुम्हें एक से बढ़कर एक शक्तिशाली हसीना मिल जाएगी। तुम कहो तो कुछ हसीनाओं से मैं तुम्हारी मुलाकात करवा सकती हूँ। यहाँ पर फूलों की घाटी की एक राजकुमारी आई है। सच कहूँ तो ऐसी बला की खूबसूरत युवती मैंने भी आज तक नहीं देखी थी। तुम कहो तो तुम्हारी उससे बात करूँ? ऐसा कहकर अमायरा जोर से हंस पड़ी। अमायरा की हंसी सुनकर विराज ने कहा, सीनियर अमायरा बस रुकिए, अपने भाई को अब कितना परेशान करेंगी। विराज प्राचीन अग्निदेवी नगर महान रचनाकार प्रतिरूपों को समझने आया था। यहाँ आकर उसे मालूम हुआ कि जमीन के अंदर ही ऊर्जा का प्रवाह कराने के लिए कोई शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूप यहाँ पर बनाया गया था। तो क्या विराज उस शक्तिशाली रचनाकार प्रतिरूप को बनाना सीख पाएगा या फिर खाली हाथ ही उसे वापस लौटना होगा? जानने के लिए सुनते रहिए।